गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को अपनी कॉपी में हेडिंग डालना है। सभी हेडिंग डालेंगे दोस्तों। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या सोचा कि भूल गया मुझे प्रवाह सिद्धांत। इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, संक्षेप में CDT कहते हैं, CDT कहते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब सुनना, प्रवाह सिद्धांत जो बोल रहे हैं वहीं से शुरू करना है मुझे दोस्तों। जब यह देखा विद्वानों ने कि संकुचनवादी जितने भी भूगर्भवेत्ता थे वह भूपरपटी में महाद्वीप एवं सागरीय द्रोणियों के उत्पत्ति को समझाने में असफल हैं, उनकी बातों को पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं किया जा सकता। आंशिक तौर पर यह घटना घटित तो अवश्य हुई थी, तो उसका भी योगदान हो सकता है, लेकिन आज के साक्ष्य तो ये नहीं बताते हैं कि इन प्रक्रियाओं के प्रभाव से ही हमारे महाद्वीपों एवं सागरीय द्रोणियों की उत्पत्ति हुई थी। तो फिर लोगों से पूछा गया कि आखिर हुई कैसे थी। तो इनसे पहले, जिनका मुझे अब नाम बोलना है, इनसे पहले एक व्यक्ति था बेकन, दूसरा व्यक्ति था टेलर। इन लोगों ने यह कहा कि महाद्वीप बेसिकली अपने स्थान पर होते ही नहीं है। ये ठीक उस तरह से जैसे पानी में नौका तैरती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती है, ठीक उसी तरह से महाद्वीप भी निरंतर तैरते रहते हैं। तैरने के क्रम में शब्द आया प्रवाह, तैरने के क्रम में क्या शब्द आया? प्रवाह। कि महाद्वीप स्थिर नहीं है बल्कि प्रवाहित होते हैं। तो प्रवाह के संदर्भ में दिए गए तमाम मतों को प्रवाह मत कहते हैं। अब जो टेलर ने दिया था मत, बेकन ने दिया था मत, बहुत ही कुछ हकलाती जुबान से बोला था। हकलाती जुबान जब भी मैं बोलूं इसका मतलब है कि ठीक से कुछ कह ना पाना। हकलाती जुबान से बोला था, कुछ कुछ कहा था, लेकिन उनमें बहुत सारे प्रश्नों का जवाब नहीं मिला था। तो दुनिया के पटल पर पहला एक विद्वान जर्मन जलवायुवेत्ता था, जर्मन जलवायुवेत्ता जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था दोस्तों? अल्फ्रेड वेगनर। इसने 1912 में एक पुस्तक लिखी, वो पुस्तक 1915 में इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई और पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। क्या नाम था? ओरिजिन ऑफ ये पुस्तक था। और अपनी इस पुस्तक में एक सिद्धांत गढ़ा जिसे आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो पहला मेरा प्रश्न, यह सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। यह भूगोलवेत्ता में से, सॉरी, यह भूगर्भ शास्त्री था, यह भूगोलवेत्ता था, भूगोलवेत्ता था जिसमें से प्रॉपरली यह मेटीरोलॉजिस्ट था, जिसे जलवायु वेत्ता कहते हैं। मेटीरोलॉजिस्ट को ही आम बोलचाल में हम लोग क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो चूंकि यह पेशे से, अपने व्यक्तिगत पेशे से यह था क्या? जलवायु वेत्ता था, जलवायु वेत्ता था। तो आप सारी कहानी को बढ़िया से समझना, जलवायु वेत्ता था। तो जलवायु वेत्ता होने के नाते पृथ्वी की उत्पत्ति, हमने बताया था कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक, प्रेजेंट तक की बात करना चाहूंगा। प्रेजेंट तक में जो भी जलवायविक बदलाव आए हैं उनका ये परीक्षण कर रहा था, निरीक्षण कर रहा था, अवलोकन करना चाहता था। शोध एवं अनुसंधान करना चाहता था, अन्वेषण करना चाहता था। ध्यान रखना, अपने पेशे के अनुरूप ही आप हर आदमी काम करता है। जैसे मेरा पेशा है ज्योग्राफी पढ़ाना, तो अगर मैं इस कक्षा में आऊंगा तो क्या करूंगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। पर ज्योग्राफी पढ़ाने के क्रम में, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ज्योग्राफी पढ़ाने के क्रम में चूंकि मानव जीवन से जुड़े हैं आर्थिक पक्ष, इसलिए मैं कुछ इकोनॉमी की भी बात करना शुरू करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि राजेश मिश्र इकोनॉमी के शिक्षक हो गए। कैसे? जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन में पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाऊंगा ही, पक्का पक्का पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा टॉपिक होगा वो एग्रीकल्चर के संदर्भ में ही। हम वहां पर की फैक्टर टू ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ाना शुरू करूंगा, तो की फैक्टर्स में सब पढ़ाऊंगा, सीड्स पढ़ाऊंगा, इरिगेशन फैसिलिटीज पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा एक एक करके। तो इसका मतलब तो नहीं कि मैं इकोनॉमी का शिक्षक हो गया। मैं शिक्षक किस विषय का हूं? ज्योग्राफी का। ठीक इसी तरह से जलवायु वेत्ता तो यह था, पर जलवायु वेत्ता होने के क्रम में इसे कुछ नए क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आई? समझते जाना ध्यान से। ये क्या देखता है दोस्तों, ये क्या देखता है, बहुत अच्छे से समझना कि दुनिया के स्तर पर जो एविडेंस हमें मिल रहे हैं, अभी इस चित्र पर बहुत ध्यान मत देना, दुनिया के स्तर पर जो एविडेंस हमें मिल रहे हैं कुछ अपने आप में अद्भुत हैं। कैसे अद्भुत हैं? जैसे जैसे समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि दो साक्ष्य हैं, दो साक्ष्य हैं। एक है हिमानी। हिमानी जानते हैं क्या होती है? ग्लेशियर्स, मतलब बर्फ की नदियां या बर्फ का प्रवाह होता है। एक तरफ हिमानी की बात आई और दूसरे तरफ कोयले की बात आई, कोयला है, और इन दोनों के संदर्भ में इन्हें क्या एविडेंस मिले? तो ध्यान से, आप जानते हैं कि हिमानियों का निर्माण वही होगा जहां तापमान अत्यंत कम होगा, पानी बर्फ बन जाता होगा। क्लियर है मेरी बात कि नहीं? पर आपको अगर मैं कहूं कि इक्वेटोरियल जोन में, विषुवत रेखा में, जहां सालों भर तापमान उच्च है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान पाया जाता है, वहां हिमानियों के निक्षेप हैं। समझने की कोशिश करना, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्र में, इक्वाटोरियल जोन में, विषुवतीय क्षेत्र में या ट्रॉपिकल क्षेत्र में, मतलब गर्म कटिबंधों में हिमानियों के साक्ष्य मिले, पुरानी हिमानियों के, अर्थात पुरातन कालखंड में ऐसा एविडेंस मिलता है कि यहाँ पर क्या रही होंगी, हिमानियां मिल रही होंगी। क्योंकि हिमानियां जिस प्रकार का निक्षेप जमा करती है ना, उसको मोरेन कहते हैं, उसको हिमोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमोड़। अब पुराने जो हिमोड़ होते हैं, तो कुछ शब्द याद करना, कुछ कुछ, क्योंकि ये टर्म्स है, मैं लिखाऊंगा भी। जो पुराने हिमानियों के सेडिमेंट्स होते हैं, अवसाद होते हैं, उन्हें इवेपोराइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसके साक्ष्य? हिमानियों के निक्षेपों के साक्ष्य इवेपोराइट्स कहलाते हैं। तो ये जब दुनिया के स्तर पर जलवायु परिवर्तन कैसा कैसा हुआ, इसके कुछ साक्ष्य जुटाने की कोशिश करना शुरू किए, तो साक्ष्य जुटाने के क्रम में दोस्तों इन्हें क्या मिला? विषुवतीय प्रदेशों में और गर्म प्रदेशों में हिमानियों के निक्षेप मिले। अब इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ठीक उसी तरह से समझने की कोशिश करना कि आप जानते हो कि राजेश मिश्र सर एक बेहद ही डिसेंट शिक्षक हैं, ठीक है, आपको पता है। और थोड़ी देर बाद आप क्या करो कि यहां से सीपी पहुंचो और सीपी में किसी डिस्कोथेक में पहुंचो, और डिस्कोथेक में पहुंचकर क्या देख रहे हो कि राजेश सर तो बड़े ही रंगीन मिजाज के हैं, तो आपकी आंखें क्या होंगी? फटी की। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है? विरोध विस्मय पैदा करता है। मुझे समझाना क्या था? विरोध विस्मय पैदा करता है। विरोध इन्हें क्या हुआ? विरोध हुआ कि इक्वाटोरियल क्षेत्र जहां कभी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस आता ही नहीं है, या ट्रॉपिकल जोन जहां 0 डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त होता ही नहीं है, वहां हिमानियों के साक्ष्य कैसे तो इनके पास एक पहला प्रश्न यहाँ पर खड़ा हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरी बात क्या की है? इसी तरह से ये परीक्षण एवं निरीक्षण करते हुए यूरोप के तो थे ही जर्मनी के, तो क्या देखते हैं कि जर्मनी से लेकर पोलैंड तक और इसके बाद ब्रिटिश द्वीप समूह में कोयला पाया जा रहा है। जर्मनी की रूर नदी घाटी एक क्षेत्र कहलाता वेस्टफालिया, याद नहीं करना है अभी, वेस्टफालिया क्षेत्र में कोयला है। इसी तरह से ब्रिटेन के मिडलैंड जोन में कोयला पाया जाता है। कोयला मिलना, अब कौन सी अद्भुत बात है? आप कहोगे ठीक है सर कोयला मिल गया तो मिल गया, लेकिन ना, कोयले का निर्माण कैसे होता है मैं अभी आपसे पूछ लेता हूं, आप जवाब तुरंत आप दे देंगे। दोस्तों केले का तना तो आपने देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? अगर केले के तने को काट के मिट्टी में दफन कर दो तो थोड़े दिन बाद उस तने के साथ क्या होगा? सड़ जाएगा। क्या जवाब दिया आपने? सच है कि वो तना क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह सॉफ्ट वुड है। क्या है दोस्तों? मुलायम तना वाला है। मुलायम तने जब मिट्टी में दफन होते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, वो सड़ जाते हैं। लेकिन दूसरे तरफ जिसे हम लोग हार्डेस्ट हार्डवुड आदि के नाम से जानते हैं, अगर हम यही महोगनी, यही एबोनी, यहीं पर रोजवुड, यहीं सागौन, यहीं पर साल की वनस्पतियों के तनों को मिट्टी में दफन कर दे तो सालों साल वो तने वैसे के वैसे पड़े रह जाएंगे, बल्कि और सुरक्षित हो जाते हैं। और जब जब इनमें उच्च दाब और अनुकूल तापमान होगा तो इस दशा में यही वनस्पतियों के तने किसमें बदल जाते हैं? कोयले में बदल जाते हैं। तो ध्यान रखना, कोयला हमेशा हार्डवुड से निर्मित होता है, कठोर तने वाली वनस्पतियों से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है दोस्त? कठोर तने वाली वनस्पतियों से निर्मित होता, सॉफ्टवुड से निर्मित नहीं हो सकता। बट मजे की बात क्या है, जो टेम्परेट जोन है, ठंडे प्रदेश हैं, जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, ये सब ठंडे प्रदेश है, गर्म नहीं है। इन ठंडे प्रदेशों में हार्डवुड होती ही नहीं है, इन ठंडे प्रदेशों में हार्डवुड होती ही नहीं है। अब समझने की कोशिश करना, एक दिन की बात है, मैं घर में अकेला था। मैं क्या था? घर में अकेला था। अपने मैंने दोस्त को बुलाया और दोस्त को बुलाकर डिनर में, मुझे पता था मेरी पत्नी गई हुई है, कल परसों आएगी किसी दिन, मैंने डिनर में दोस्त को बुलाया और बस अब यहाँ पर मधुर मधुर संगीत चल रहा है और मधुर मधुर संगीत के साथ है बस टांगों पर टांगे तोड़ी जा रही है। किसकी टांगे? मुर्गे की टांगे तोड़ी जा रही है और बस जाम से जाम लड़ रहे हैं। अचानक डोर बेल होती है, दरवाजा खुलता है और किसका प्रकट हो जाता है? अब क्या होगा बेटा मेरे साथ? अच्छा ये मैं ही जानूंगा, सच बोल रहे हो, मैं ही जानूंगा। तो किसी दिन जब मेरे पीठ में हल्दी वल्दी लगी रहे तो समझ जाना कि आज कुछ है हुआ, आज कुछ दरवाजा खुल गया है। ठीक बोल रहा। क्या जवाब दिया कि उस दिन समझ लेना दरवाजा खुल गया है। मतलब समझने की कोशिश करना, जो चीज जहां पर असंभव है वो चीज वहां पर मिल जाना। पीठ में हल्दी नहीं लगेगी, बल्कि सच्चाई ये है कि उनका हार्ट अटैक हो जाएगा कि इस इंसान से मैंने इतना बेताबी से और इतना शिद्दत से प्रेम किया था। समझने की कोशिश करना, यहां कोयले में आओ, कुछ लोग तो इतना खो गए। दोस्त हमारा इतना खोया था। ध्यान से दोस्तों, कोयला नहीं पाया जाना चाहिए, पर कोयले का मिल जाना अल्फ्रेड वेगनर के लिए उतनी ही बेचैनी पैदा कर दिया कि आखिर ये कैसे यहां। समझ गए मेरी बात की नहीं? वही तमाम चीजें कि आखिर मेरे घर में ऐसी स्थितियां कैसे हैं। तो वही चीज इन्हें ताजुब हुआ कि आखिर मेरा घर जर्मनी और जर्मनी में कोयला कैसे। समझने की कोशिश करना। तो लोगों ने पूछा, अबे क्यों, तेरे साथ क्या हो गया? कोयला मिल गया तो मिल गया। तो समझाता है कि कोयला हमेशा हार्डवुड से बनता है और जर्मनी टेम्परेट जोन में है, ठंडे क्षेत्र में है, यहाँ हार्डवुड नहीं पाई जाती है, इन वनस्पतियों से कोयला नहीं बन सकता, तो फिर ये कोयला कहाँ से आ गया? तो इनके सामने दूसरा प्रश्न था कि यहाँ पर कोयले का पाया जाना भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कुछ विशेष तथ्यों का। तो क्या इंडिकेशन था? क्या इंडिकेशन था? तो समझने के बाद है दोस्तों, ध्यान से समझना, ये चीजें दो ही शर्तों में हो सकती हैं। ये चीजें दो ही शर्तों में हो सकती हैं और इतनी बात बस समझ लिया ना दोस्तों, तो आज का मेरा काम खत्म हो जाएगा। पहली शर्त हो सकती है कि या कि व्यापक पैमाने पर जलवायु बदली होगी। समझ रहे मेरी बात की नहीं? या कि व्यापक पैमाने पर जलवायु बदली होगी, मतलब क्या था कि जो कल का उष्ण कटिबंध था, गर्म क्षेत्र था, वहां कभी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा होगा, मतलब वो ठंडा रहा होगा वहां जलवायु। तो जो आज का शीतोष्ण कटिबंध है जर्मनी आदि के आसपास, वो कभी उष्ण कटिबंध रहा होगा। फिर ये सोचना शुरू करता है जलवायु साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी का झुकाव कैसा। फिर ध्यान से, वही जो मैंने आपको ऑब्लिक्विटी और इसेंट्रिसिटी इफेक्ट पढ़ाया, तो देखता पृथ्वी मोटे तौर पर 23.5 डिग्री झुकी है और सूर्य भी यहाँ है। सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष कितनी भी जलवायु बदली होगी, एटलीस्ट इतना तो नहीं हो सकता कि विषुवत रेखा में बर्फ जमा हो जाए। दूसरा, इतनी भी जलवायु नहीं बदल सकती कि ब्रिटेन में, स्कॉटलैंड में, जर्मनी में उष्ण कटिबंधीय जलवायु से हार्डवुड पैदा होने लगे, महोगनी, एबोनी जैसी वनस्पतियां पैदा होने लगे। इतना जलवायु तो कभी नहीं बदल सकती। इस निष्कर्ष पर पहुंचा तो फिर क्या हुआ, ये भी तो बता भाई। तो क्या बताता है, तो अवश्य ही इन क्षेत्रों ने, जहां आज हिमानी पाई जाती हैं, जहां आज कोयला पाया जाता है, इन क्षेत्रों ने अपना स्थान बदला होगा। क्या क्या होगा? इनने अपना स्थान बदला होगा। अर्थात जहां हिमानियों के साक्ष्य हैं विषुवतीय क्षेत्रों में, वो क्षेत्र ही कभी ठंडे प्रदेश में रहा होगा। तो दूसरे तरफ जहां आज कोयला पाया जाता है, वह क्षेत्र ही कभी उष्ण कटिबंध में रहा होगा। तो जब उष्ण कटिबंध में रहा होगा, तब कठोर तने वाली वनस्पतियां रही होंगी और वो वनस्पतियां उस समय पर मिट्टी में दफन हुई होगी, इसलिए उनके दफन होने से कोयला प्राप्त होता है। पर वो क्षेत्र आज कहीं और चला गया है। तो कहीं और चले जाने की वजह से कोयला पाए जाने का भ्रम पैदा होता है, पर वास्तविकता यह है कि महाद्वीप अपने स्थान पर है ही नहीं, बल्कि वह अपना स्थान बदल चुके हैं। क्या कर चुके हैं? अपना स्थान बदल चुके हैं। तो स्थान बदलाव के आधार पर ही इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन। क्योंकि साक्ष्य ये सागर में नहीं खोज रहे थे, किसमें खोज रहे थे? महाद्वीपों पर। इसीलिए इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या नाम दिया? समझ में आ गई बात की नहीं? प्रॉपर एविडेंस के आधार पर कैसे इन्होंने निष्कर्ष निकाला, समझ में आई बात की नहीं? तो लिखो, अब बढ़िया से लिखना दोस्तों, ओके। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में प्रवाह रेखा में जुड़ जाएगा भाई, मैं बताऊंगा ना। लिखो, पैराग्राफ में लिखना, लिखेंगे संकुचनवादी मत आलोचनाओं के आलोक में, संकुचनवादी मत आलोचनाओं के आलोक में स्वीकार नहीं किए गए। स्वीकार नहीं किए गए, बल्कि इनके स्थान पर प्रवाह सिद्धांत को वरीयता या मान्यता प्राप्त हुई। पूर्णविराम। इसी पैराग्राफ में प्रवाह सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में अल्फ्रेड वेगनर का नाम महत्वपूर्ण है। पैराचेंज नहीं, इसी में लिखो जिन्होंने महाद्वीप तथा सागरीय द्रोणी उत्पत्ति की व्याख्या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के माध्यम से कि पूर्ण विराम। पैराचेंज करो, लिखो जर्मन जलवायुवेत्ता, पैराचेंज कर देना, जर्मन जलवायुवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, बेटा बोलो नहीं, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन नामक पुस्तक। अब देखो तुम बोल दे तो मेरा सेंटेंस सब खत्म हो गया, सामने ही बैठ के बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब। सुमित हाथ हटाओ। जर्मन जलवायुवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो में किया। ठीक है, पूर्ण विराम लगाओ, लिखो पैराचेंज वेगनर का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत दो प्रकार के साक्ष्य एवं निष्कर्षों पर आधारित था। साक्ष्य एवं निष्कर्षों पर आधारित है लिखो नंबर वन उष्णकटिबंध मतलब गर्म प्रदेश है ना, उष्णकटिबंधों में पुरातन मतलब पहले के पुरातन हिमानी निक्षेपों का पाया जाना, हिमानी निक्षेपों का पाया जाना, निक्षेपों का पाया जाना। तो नंबर 2, जर्मनी ब्रिटेन सहित, जर्मनी ब्रिटेन सहित शीतोष्ण कटिबंधों, शीतोष्ण कटिबंधों में कोयले का पाया जाना, कोयले का पाया जाना। नीचे पॉइंट में नहीं पैरा में लिखोगे, ऊपरी दोनों ही साक्ष्य, ऊपरी दोनों ही साक्ष्य जलवायविक दशाओं से विषमता रखते हैं। ऊपरी दोनों ही साक्ष्य, जो दोनों लिखा ऊपर क्या क्या मिला है ना, जलवायविक दशाओं से, ऊपरी दोनों ही साक्ष्य जलवायविक दशाओं से विषमता रखते हैं, विषमता रखते हैं। समरूपता है ही नहीं, ठंडे प्रदेशों में कोयला और गर्म प्रदेशों में हिमानी, कहां से समरूपता विषमता रखते हैं? जिसके आधार पर, जिसके आधार पर दो ही निष्कर्ष संभव हैं। क्या है? दो ही निष्कर्ष संभव हैं। कौन कौन से दो निष्कर्ष? तो लिखो नंबर 1, नंबर 1, या तो व्यापक पैमाने पर, कोई नहीं दोस्त, कोई नहीं, लेट आए तो सुनते चलो बस, ठीक है? या कि व्यापक पैमाने पर जलवायु कटिबंध बदले होंगे, जलवायु कटिबंध बदले होंगे, बदले होंगे। या नंबर 2, महाद्वीपों का, महाद्वीपों का विस्थापन, विस्थापन हुआ होगा, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ होगा। पूर्ण विराम। पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे, वेगनर के अनुसार, वेगनर के अनुसार पृथ्वी के उत्पत्ति से आज तक, पृथ्वी के उत्पत्ति से आज तक इतनी अधिक मात्रा में, इतनी अधिक मात्रा में जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन संभव नहीं है, संभव नहीं है कि विषुवतीय प्रदेशों में, विषुवतीय प्रदेशों में हिमानियां हों, हिमानियां हों एवं शीतोष्ण प्रदेशों में, शीतोष्ण प्रदेशों में कठोर तने वाली वनस्पतियां, कठोर तने वाली वनस्पतियां। इसलिए अवश्य ही, इसलिए अवश्य ही अंडरलाइन करो अवश्य ही के बाद। बोलो सर कुछ लिखा नहीं तो क्या करूं, मतलब जो लिखोगे उसे अंडरलाइन करोगे। अवश्य ही महाद्वीपों का विस्थापन, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ होगा, हुआ होगा। पूर्ण विराम। अब इस निष्कर्ष पर ये पहुंच गए कि आखिर ये स्थिति है तो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ होगा। पक्का पक्का बात समझ में आई ना? यहां तक कोई किसी को कोई भी डाउट? ओके, वो तमाम बच्चे मेरा उनको सुझाव है बेटा, जो लोग डेमोन्स्ट्रेशन क्लास के लिए आते हो, जिस भी जगह है जहां भी जाया करो, हालांकि ये कहने में मेरी जीभ क्यों ना कट जाती, मुझे बेहद खराब लगता है कि बच्चे बेचारे अरमान सजाए हुए आते हैं और यहाँ वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन क्लास लेने के लिए घूमते रहते हैं। और डेमोन्स्ट्रेशन उन्हें लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सच्चाई ये है कि छला उन्हें बहुत गया है। अगर ना छला गया होता तो आज इसकी जरूरत ना पड़ती। अगर आप जानोगे ना, जानोगे कि राजेश मिश्र कैसा इंसान है, कैसा तरीका है उसका, तौर तरीका है, और राजेश मिश्र आपके अरमानों पर लगातार खरा उतरता चला गया, तो आंख बंद करके आप भरोसा करोगे। पर छलावों ने हमारे भरोसे को छीना है, इसलिए डेमो क्लास की एक परंपरा विकसित हुई है। लिया करो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर बेटा पूरे मन से लिया करो। जैसे आज की क्लास आए तो हमेशा ये मान कर आना है और पढ़ना है कि आज की क्लास में टीचर जो पढ़ा रहा है ना उसे 100% सीखेंगे। तब देखो मजा आने लगेगा। बहुत अलग उम्मीद के साथ आप क्लास में उपस्थित होगे और बहुत अलग चीज आपको मिल रही होगी। जब हम बहुत अनमने तरीके से आते हैं ना, किसी बच्चे के पास पेन नहीं है, किसी बच्चे के पास कॉपी नहीं। देखो आए यहाँ पर हम किसके लिए, किस बात के लिए? क्लास लेने के लिए है। हमारे पास पेन नहीं है, हमारे पास कॉपी नहीं है। सुबह मुखर्जी नगर चाय पीने आए हुए थे तो अभी चाय का स्टॉल नहीं खुला था, मंजन सुबह से किया नहीं तो चलो वहां पर, चलो यूपीएससी वाले की क्लास चल रही है, 5 मिनट क्लास में बैठकर आ जाते हैं। क्या मतलब इस बात का? समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये आज के बच्चों में मुझे ये चीज नहीं नजर आई, मैंने इसलिए टोका नहीं। आज अच्छे से सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और ऐसे ही पढ़ना बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ना। हमेशा जिंदगी में जहां पहुंचो पढ़ने को लेकर कभी लापरवाही मत करना, ऐसे जैसे आज आप लोग क्लास ले रहे हो सभी। पीछे आप लोगों को बता दें बेटा, 2-3 बच्चे आए थे और 2-3 बच्चे आए थे, मैंने क्या कहा उन्हें? क्लास सारी साक्षी है कि भाई तुम जैसे आए हो वैसे प्रस्थान कर सकते हो। मैंने उन्हें क्लास में ऐसे कहा कि आ गए हो ना, जब तुम्हारा मन करे चुपचाप उठ के चले जाना। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि तुम बैठ जाओ और एडमिशन ले लेना। ऐसे लोग ना पढ़े यूपीएससी तो ज्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं तो पढ़ेंगे ना, कहीं ना कहीं तो उन्हें प्रलोभन मिलेगा ना, होगा बाजार उन्हें बुलाता होगा। लेकिन मैं जानता हूं यार, क्या करोगे ऐसी जिंदगी से? तो पढ़ा करो, ऐसे ही मस्ती से पढ़ा करो दोस्तों। और ध्यान रखना कि संस्था और संस्था के साथ आपसे जुड़े हुए शिक्षक अध्ययन एवं अध्यापन कार्य को लेकर उसी भरोसे तक कार्य करेंगे। कल रात मैं 2:30 बजे तक मीटिंग में था और मैं बोला कि एक ही मेरी शर्त होगी और उस शर्त के बाद बातें शुरू होंगी कि शिक्षण कार्य को लेकर एक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बात ही वहां से शुरू हुई और मुझे सभी के सकारात्मक प्रतिबद्धता भरे रवैये बड़े अच्छे लगे और सब बड़े प्रतिबद्ध हैं। आप लोग खूब अच्छे से पढ़ना, सारे अपनी पूरी क्षमताओं से पढ़ाएंगे शिक्षक, पूरा समय देंगे आपको। कभी कोई बात नहीं समझ में आती है, फिर से मैंने कहा मैं ही होता हूं, कहीं पर खड़ा कर दो, सर थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मिनट ये बताइए, सीढ़ियों पर सर थोड़ा सा रुक जाइए, कार में मैं बैठ रहा हूं अपने, वहां पर आके मेरे कार में बैठ जाइए, सर 2 मिनट मुझे बताते जाइए। जब तक आप अपनी समस्या का समाधान सेम डे नहीं कर लें तब तक शिक्षक को जाने ना दे। हालांकि शिक्षक जब पढ़ाता है तो कोशिश करता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स बच्चों में रहे ना, पर उसके लिए भी मैंने क्या क्या सुझाव दिया है? आज मैंने पढ़ाया, जाकर रिवीजन करिए और फिर दूसरे दिन प्रश्न पूछिए। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो इससे आपका क्या होगा कि विषय का जुड़ाव बना रहेगा यार, चाहते जो है वो मिलने की ओर आप अग्रसरित रह जाओगे। तो ऐसे पढ़ना है और ऐसे ही पढ़ते चले जाया करो। ठीक है, ठीक है सुमित बाबू, तुम्हारे अंदर कितना चेंज आया है मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लड़का इतनी गलतियां लिखता था, अभी क्या इसमें एक गलती बची है, इसको शाह और सा में फर्क समझ में नहीं आता, बाकी सब सुधार लिया है। हर बच्चा यहाँ सुधरने के लिए आया होता है, हर बच्चा अपनी उम्मीदों को पाने के लिए आया होता है। इस बाजार ने छला है इसलिए उसका भरोसा टूटा है। और आज मैं यहां बैठा हूं दोस्तों, कल आपकी चेयर में कहीं मैं भी था, समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं, और कल ही था, परसों नहीं था। दिक्कत की बात तो ये है, इसलिए मुझे आपकी तकलीफें बहुत अच्छे से पता होती है और आपकी जरूरतें बहुत अच्छे से पता होती है, और बेहद अच्छे से पता है कि आपकी जरूरतें क्या हैं। समझ में आई बात ना? आपकी हर जरूरतें पूरी होंगी, नहीं पूरी होता ना पूरी होती लगे एक बार भी ना, तो संस्था की प्रतिबद्धता तो है ही, हर एक शिक्षक की प्रतिबद्धता है। आप अपने हर शिक्षक से कह सकते हो बातें। तो क्या देखा आपने कि ये निष्कर्ष पर पहुंच गए कि ऐसा हुआ होगा। समझना थोड़ी देर के लिए दोस्तों, अब ये आदमी अपना सिद्धांत गढ़ेगा क्योंकि निष्कर्ष पर पहुंच गया, और निष्कर्ष पर पहुंचकर सिद्धांत गढ़ेगा। ध्यान से सुनते जाना, कहानी सुना रहा हूं। माना थोड़ी देर के लिए कि अल्फ्रेड वेगनर पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं, वो भी गए हैं। आपने अगर सुना है, थोड़ी देर के लिए मानना है, जैसा मैं बोलूं तो मान लेना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अल्फ्रेड वेगनर तो इस दुनिया से विदा हो चुके हैं, जिनकी मैं वंदना करता हूं, पर कहते हैं कि मरता तो शरीर है, सूक्ष्म चैतन्य सत्ता कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो दोस्तों, आज रात में मुझे अल्फ्रेड वेगनर सपने में आए थे, और सपने में आकर सीधा सीधा बोले थे, जब तू आज क्लास पढ़ा रहा होगा तो मेरी आत्मा तेरे अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो आज आपके आगे खड़ा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कौन है? अल्फ्रेड वेगनर है। दिख रहा अल्फ्रेड वेगनर आपको? दाढ़ियां दिख रही हैं उसके जैसे ही? यस, अल्फ्रेड वेगनर है। अब जो भी मेरे मुख से निकलेगा, कौन बोल रहा है? अल्फ्रेड वेगनर बोल रहा। कहीं अगर आपको लग रहा है कि मजे की बात है तो कौन मजा दिला रहा है? अल्फ्रेड वेगनर। और कहीं अगर लगे कि अरे यार बकवास कर रहा है, ये तो गलत बात बोल रहा है, तो कौन गलत बोल रहा है? अल्फ्रेड वेगनर। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि अल्फ्रेड वेगनर की आत्मा बोल रही। इसका मतलब है कि सिद्धांत जिसका पढ़ा जाता है उसी के हिसाब से लिखा जाता है। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? उस सिद्धांत में ऐसा भी हो सकता है त्रुटियां हो, और उस सिद्धांत में ऐसा भी हो कि बेहद गंभीर विशेषताएं हो। दोनों की दोनों बातें उस व्यक्ति की है, राजेश मिश्र की नहीं। क्लियर है मेरी बात की नहीं? तो अब मैं वही करने जा रहा हूं। लिखते समय कई जगह आपको लगेगा सर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, पर अगर आप सहमत नहीं हो तो आप मुझसे सहमत नहीं हो ऐसा नहीं है। आप किससे सहमत नहीं हो? उस सिद्धांत से जो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। मुझे अल्फ्रेड वेगनर की कमियों को भी लिखाना पड़ेगा, तो विशेषताओं को भी लिखाना पड़ेगा, और जब कमी लिखाऊंगा तभी तो उसकी आलोचना करोगे ना। समझ गए मेरी बात की नहीं? तैयार हो इस बात के लिए? तो लिखो, हेडिंग दो, सिद्धांत की मूलभूत मान्यताएं। सिद्धांत की मूलभूत मान्यताएं। मान्यताएं। अब जो भी बोलेगा अल्फ्रेड वेगनर बोलेगा, ओके, मैं नहीं। बहुत सरलीकृत रूप में प्रस्तुत करूंगा आपके लिए। लिखो सभी के सभी। नंबर 1, बिंदुवार। अब 1 वहीं पे लिख दोगे तो एक झापड़ मारूंगा सुमित। ध्यान रखना, जो बच्चे पहले दिन क्लास में आए हैं, झापड़ भी मारता हूं, देख लो कैसे सुमित को मैंने बोला। आगे की दशाओं के लिए तैयार रहना। सुमित को कई दिन तो भयंकर पीटा है, यही क्लास में खड़े होकर। एक दिन तो सुमित जाकर एफआईआर भी कराया था। ओके, फिर रवि मुझे बचाने के लिए आया था। ओके, तो दोस्तों पहली बात जो इन्हें पता थी एडवर्ड स्विस के माध्यम से, अच्छे लॉजिकली समझना है हर बात। अल्फ्रेड वेगनर ने यह किताब लिखी थी अपनी जर्मन लैंग्वेज में 1912 में, 1915 में बेसिकली पब्लिश हुई है इंग्लिश भाषा में, ठीक है ना। 1915 से पूर्व बेसिकली रिक्टर महोदय ने अपना भूकंपीय तरंग सिद्धांत नहीं दिया था। रिक्टर का अपना पैमाना और भूकंपीय तरंगों के साक्ष्य 1932 में आए और 35 में संशोधित होकर लोगों के सामने आते हैं। तो इस दौर में 1915 में क्रस्ट मेंटल कोर जैसी कोई अवधारणा थी नहीं, बल्कि क्या चल रहा था इस समय पर, सियाल, सीमा एंड निफे। एडवर्ड स्विस ने कहा था कि सियाल ठोस है। क्या कहा था? सियाल ठोस है, जबकि सीमा तरल अवस्था में है। ध्यान कर पा रहे हो? लास्ट क्लास ध्यान है ना सभी को? सियाल ऊपरी परत है, पर ऊपरी परत कैसी है? ठोस है। और उसकी निचली परत तापमान की अधिकता की वजह से कैसी है? तरल है। तो एडवर्ड स्विस ने ही कहा था कि ठोस भूपर्पटी, सॉरी ठोस भूपर्पटी, ठोस सियाल जो कि कम घनत्व वाला है, अधिक घनत्व वाले सीमा पर निरंतर तैरता रहता है। शब्द था सियाल इज फ्लोटिंग ऑन सीमा। क्या शब्द था? ठीक है, इन्होंने थोड़ी सी बात नहीं जोड़ी उस पर। तो क्या नई बात जोड़ी? तो लिखो अब, सियाल, कॉमा लगा दो, सीमा पर बिना रुकावट, ये चीज जोड़ी। सियाल सीमा पर बिना रुकावट तैर रहा है, तैर रहा है। सियाल इज फ्लोटिंग ऑन सीमा विदाउट बैरियर, ठीक है ना, बिना किसी बाधा के तैर रहा है। इन्होंने ये बात कह दी, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों, दूसरी बात करते हैं। सेकेंड बात, इन्होंने पैंजिया की अवधारणा दी। पहली बात में उन्होंने सियाल और सीमा के बीच के संबंध को बता दिया, तो दूसरे नंबर पर उनने बताया पैंजिया को। किसको बताया? अभी याद कराता हूं आपको पैंजिया, घबराना मत दोस्तों। आज आपसे अगर मैं पूछूं कि आज दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? 7। 100% गलत। 20 हैं। कितना? इधर से 20 की आवाज कहां से आई? 20 की आवाज आएगी। एकलव्य का नाम सुना है कि नहीं? महान धनुर्धर एकलव्य का। एकलव्य साधना में लीन था, साधना अध्ययन की थी उसकी, और उसकी अध्ययन की साधना तीर चलाने की थी। कुत्ता बार बार भौंक रहा था, साधना में दिक्कत आई, तो उसने तीर चलाया और कुत्ते के मुख में सीधा तीर गया। तो अगर मेरी साधना भंग करोगे 20 बोलकर, तो मैं ये पेन का तीर चलाऊंगा और सीधे ये, समझ में आई बात? समझ में तो आ गया ना? तो एक लंबी तीर चलाऊंगा। ओके, ऐसी गलतियां मत करना। इस समय पर कॉन्टिनेंट्स की संख्या 7 नहीं दोस्तों, कितनी है? 8 है। बट इनके दौर पर 7 ही थे। जिस विषय की बात आप करते हो उस समय को भी ध्यान रखना है। इन्होंने कहा कि सपोज ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य में इक्वेटर है, मध्य से इक्वेटर गुजरता है, विषुवत रेखा गुजरती है, जिसे आप 0 डिग्री से दिखाते हो। ध्यान से बस सुनना, जो कहता हूं किताबों पे मत जाना, और जो बोल रहा हूं एक एक शब्द सुनना। किताबों में त्रुटियां हैं, यहां से लेकर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तक एनसीईआरटी में त्रुटियां हैं, तो आप ये मत बोलना तो तू कहां से जानता है। एक बच्चे ने कहा जी सर। बड़े मजाकी, बड़े मजाकी। ओके आगे सुनो, फिर बताऊंगा कहां से जानता हूं। इन्होंने कहा कि आज के सारे महाद्वीप, जहां पर किताबों की त्रुटियों को छोड़ना है यहां पर, और सही कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज के सारे महाद्वीप एक कालखंड का नाम ले रहा हूं, कार्बोनीफेरस कालखंड। कौन सा कालखंड? यहां लिखता हूं कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस कालखंड। ये कालखंड था दोस्तों आज से 350 मिलियन वर्ष पहले से लेकर 270 मिलियन वर्ष पहले के, मतलब इस दौर की बात इन्होंने की है। इस कालखंड में आज जितने भी महाद्वीप प्राप्त हो रहे हैं यह इकट्ठे थे और विषुवत रेखा के दक्षिण में अवस्थित। यह विषुवत रेखा का दक्षिणी भाग, यह किताब में त्रुटि आई है। सभी इकट्ठे थे और कहां अवस्थित थे? विषुवत रेखा के दक्षिणी हिस्से में इकट्ठे उपस्थित थे। और जब इकट्ठे थे तो ये एक वृहद भूखंड का निर्माण कर रहे थे और वह वृहद भूखंड जर्मन भाषा में पैंजिया कहलाता है। क्या कहलाता है? पैंजिया कहलाता है। ये लो, सारे के सारे महाद्वीपों को मैं एक साथ जोड़ देता हूं और कुछ ये इस तरह से उपस्थित थे। ये क्या थे? पैंजिया। पैंजिया दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। पैन का मतलब होता है ऑल, पैन का मतलब क्या होता है? ऑल। और जिया का मतलब होता है अर्थ, अर्थ का मतलब यहां आपको कॉन्टिनेंट से लेना है। कि जब सभी के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए हैं तो उस जुड़ाव से निर्मित विशालतम भूखंड को क्या नाम दिया इन्होंने? पैंजिया नाम दिया। और जब सारा महाद्वीप एक साथ है तो इसका मतलब अब सारा सागर भी एक साथ हो गया है ना। सागर तो वैसे भी महाद्वीपों के बीच में बटा हुआ है, जब महाद्वीपों को इकट्ठा कर दिया तो चारों ओर क्या उपस्थित हो गया दोस्तों? एक विशालतम महासागर उपस्थित हो गया। अब विशालतम महासागर को ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या नाम दिया? अगर महाद्वीपों को नाम पैंजिया दिया तो सागर को क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? नहीं, नहीं, पैंथालसा। किसने बोला है? वेरी गुड। मैंने कहा है प्रोनाउंसिएशन शुद्ध होना चाहिए, नहीं पर्सनालिटी लैक कर जाएगी इंटरव्यू में। पैंथालासा नहीं है, पैंथालसा है। क्या है? पैंथालसा। तो इन्होंने बताया कि पैंथालसा था, ठीक है। LASA नहीं, मैंने कहा है एनसीईआरटी की त्रुटियों को भी ठीक करना है। ये पैंथालसा था, क्योंकि दोस्तों पैन का मतलब तो ऑल होता ही है और ये जो थालसा होता है इसका मतलब होता है सी या ओशन। क्या होता है इसका मतलब? सी या ओशन। अर्थात जब सारा का सारा ऑल ओशंस एक साथ उपस्थित था उसे हम किस नाम से जानते हैं? पैंथालसा के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने पैंजिया एंड पैंथालसा की अवधारणा दी कि कार्बोनीफेरस कालखंड में सारे के सारे महाद्वीप एक साथ दक्षिणी गोलार्ध में उपस्थित थे। शब्द दक्षिणी गोलार्ध में उपस्थित थे, शब्द दक्षिणी गोलार्ध में उपस्थित थे, जिनके चारों ओर विशालतम महासागर था जिसे हम पैंथालसा कहते हैं। और ये जो पैंजिया था, पैंजिया का केंद्र, अगर अफ्रीका देखा जाए तो अफ्रीका में दोस्तों यहां पर आज भी एक नगर है डर्बन। कौन सा नगर है? डर्बन। तो कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध में इसका केंद्र आज के डर्बन नगर के समीप था। किसके समीप था? डर्बन नगर के समीप था। क्लियर हो गई इतनी बात की नहीं? तो पहला सियाल सीमा की बात की, तो दूसरी इन्होंने बात की किसकी? पैंजिया और पैंथालसा की बात की। अब आगे ध्यान से सुनते जाना। तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों, इन्होंने पैंजिया को और विस्तार दिया। कहते हैं जो हमारा ये पैंजिया है, पैंजिया बेसिकली दो भागों में बटा था। फिर से पुस्तक को शुद्ध कर रहा हूं, पैंजिया दो भागों में बटा था। जल्दी से बताओ उत्तरी भाग इसका क्या कहलाता था? ठीक है ना, जो नाम बोले हो वो सब गलत है। इधर से एक सही जवाब आया है, उत्तरी भाग इसका अंगारा लैंड था। क्या था? अंगारा लैंड था। तो दक्षिणी भाग दोस्तों इसका गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अंगारा लैंड बेसिकली दो भागों में बटा था। अंगारा लैंड का ईस्टर्न पार्ट यूरेशिया कहलाता था। क्या कहलाता था? यूरेशिया कहलाता था। और इसका वेस्टर्न पार्ट लॉरेंशिया कहलाता था। क्या कहलाता था? लॉरेंशिया कहलाता था। वेस्टर्न पार्ट इसका लॉरेंशिया है, ये सारा का सारा लॉरेंशिया नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं? अब तो गलती नहीं करोगे कभी। उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? अंगारा लैंड। दक्षिणी अंगारा लैंड कितने भागों में बटा है? ईस्टर्न पार्ट क्या हो गया? वेस्टर्न पार्ट क्या हो गया? यूरेशिया में आज के एशिया और यूरोप के भाग आते हैं, और लॉरेंशिया में दोस्तों उत्तर अमेरिका का भाग आता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब ये जो गोंडवाना लैंड है दक्षिण का अंश, इसका नाम गोंडवाना क्यों पड़ा है बेटा? हाँ बोला करो ना, क्यों इसका नाम गोंडवाना लैंड क्यों पड़ा? बेसिकली जब इस लैंड की खोज की जा रही थी तो उस समय पर एक बड़ी ही अद्भुत यहाँ पर जियो कल्चरल ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी, भू सांस्कृतिक जनजातीय समुदाय रहता था, और वह था भारतीय प्रायद्वीप में। कहाँ था? जिसे कहा जाता है गोंड। है ना भारत में एक जनजाति, गोंड जनजाति, और उसकी संस्कृति से प्रभावित होकर जहां जिस भौगोलिक प्रदेश में इस जनजातीय क्षेत्र का विस्तार था उसे क्या नाम दिया गया? गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। तो दोस्तों इस गोंडवाना लैंड में मैं आपको केवल लिख देता हूं, इसमें दक्षिण अमेरिका था, इसमें अंटार्कटिका था, इसमें ऑस्ट्रेलिया था, इसमें अफ्रीका था, इसमें इंडियन पेनिनसुला था। आई बस लिख देता हूं। और इंडियन पेनिनसुला के साथ साथ इसमें दोस्तों ये जो गल्फ ऑफ पर्शिया के पश्चिम का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, अरेबियन पेनिनसुला जिसे कहते हैं, तो इंडिया एंड अरेबियन पेनिनसुला के हिस्से थे। हिंदी में दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा, हिमालय के पास वाला नहीं, भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा, अरब प्रायद्वीप का हिस्सा और ऑस्ट्रेलिया, इतना सब मिलकर क्या कहलाता था इकट्ठा? गोंडवाना लैंड। और उत्तर का भाग लॉरेंशिया और यूरेशिया मिलकर अंगारा लैंड कहलाता था। इन दोनों के बीच में एक छिछला सागरीय क्षेत्र था, और छिछले सागरीय क्षेत्र का नाम दे दिया गया टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया दोस्तों? टेथिस सागर नाम दिया गया। और ध्यान से एक बात सुनना है, वह सागरीय जल क्षेत्र जिसकी तली गहरी ना हो बल्कि छिछली हो, आसपास की नदियां उसमें निरंतर सेडिमेंटेशन करती हो। इधर आओ सुमित, आसपास की नदियां निरंतर सेडिमेंटेशन करती हो, तो उस तली वाले क्षेत्र को दूर खड़े हो, कुश्ती नहीं लड़ना है यार, लड़ना है, पहलवानी देखनी है, ओके। ये पिन चलाने वाले हाथ है सुमित, ये कुश्ती नहीं लड़ा करते, ओके। ध्यान से तुम खड़े खड़े सुनते रहना। इसके बीच में टेथिस सागर था। एक शब्द समझाना है, सागर की गहराई कम है, कम गहराई होने की वजह से उसे छिछला कहते हैं। आसपास के महाद्वीपीय क्षेत्र की नदियां निरंतर सेडिमेंटेशन करती हैं। ध्यान से हाथ सामने करो, निरंतर, एक एक हाथ सामने करो, निरंतर सेडिमेंटेशन करती हैं। देखना सुमित की हथेली की ये गहराई है, सपोज समझो ये हाइट है, ओके, दिख रही सभी को? अब सुमित की हथेली की ये गहराई है, इधर से ले आकर मैं 5 kg का वेट करता हूं, तुम विरोध मत करना, मुड़े तो मुड़ने देना, ठीक है, तभी इनको समझ में आएगा। 5 kg का वेट लगाया। वाओ क्या जबरदस्त तुमने दिया है। ध्यान से सुनना, यही करना तुमको, ऐसे ही जैसे मैं दबाता जाऊं इसको ऐसे ही घुमाते जाना, ठीक है। 5 kg का मैंने वेट लगाया, देखो इसकी हथेली मुड़ रही है, अब ज्यादा ही ना मोड़ दो यार, मुड़ रही है ना। ओके कुछ इधर नहीं दिख रहा, ऐसे घूमो, हाँ इन बच्चों को नहीं दिख रहा, ठीक है। अब इधर देखते जाना, जैसे मैंने फोर्स लगाया मतलब सेडिमेंट्स डिपॉजिट किया मैंने यहाँ पर इसकी हथेली झुकी, यहां से इधर से भी झुकी, इधर से भी झुकी, फिर मैंने फोर्स लगाया झुकी, फिर मैंने फोर्स लगाया झुकी, फिर मैंने फोर्स लगाया झुकी, मतलब ये हथेली जो सागर की तली स्ट्रेट थी, धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, झुकाव हो रहा है। पर ध्यान से, झुकाव के साथ हथेली की तली की गहराई तो बढ़ रही है, पर निरंतर यहां सेडिमेंट्स का जमाव होता जा रहा है। तो सच्चाई यह है कि ऊपरी सतह लगभग छिछला ही बना रहता है। फिर से बोल रहा हूं, दिखाओ इसकी हथेली है, मैंने यहां पर सेडिमेंट लाया और 5 किलो का डिपॉजिट किया, तो इसकी हथेली थोड़ी मुड़ी, पर 5 किलो के सेडिमेंट्स ने हाइट भी तो बढ़ाई। फिर से मैंने 5 किलो का सेडिमेंट बढ़ाया, फिर से इसकी हथेली मुड़ी, तो फिर से सेडिमेंट की हाइट तो बढ़ी। पर नोटिस करना, ध्यान से नोटिस कर, तुम ऐसे करते जाना, ये सेडिमेंट्स है यहाँ, ये सेडिमेंट्स है यहाँ, सेडिमेंट्स दबाव लगा रहा है, और जैसे सेडिमेंट्स ने प्रेशर लगाया बॉटम पर, तो इसके किनारों ने सेडिमेंट्स पर प्रेशर लगा दिया। क्या किया, किनारों ने सेडिमेंट्स पर दाब लगाया। कैसे कि यहाँ पर ये हथेली है इसकी, जब मैंने इसको यहां से दबाया तो इसके इस हिस्से ने सेडिमेंट्स को इस किनारे से दबाया, और इसके इस हिस्से ने सेडिमेंट्स को इस किनारे से दबाया, तो जैसे इस सेडिमेंट्स पर प्रेशर लगाया, इस किनारे के सेडिमेंट्स फोल्ड की वजह से माउंटेन बने, और इस किनारे के सेडिमेंट्स भी फोल्ड की वजह से माउंटेन बने। और ध्यान रखना, ऐसा छिछला सागरीय जल क्षेत्र जिसमें निरंतर सेडिमेंटेशन हो रहा है, ऐसे जल क्षेत्र को जियोसिंक्लाइन कहते हैं, भूसन्नति कहते हैं। क्या कहते हैं, भूसन्नति कहते हैं। इसीलिए यह टेथिस सागर क्या कहलाता है, टेथिस भूसन्नति कहलाता है। समझिएगा, है ना। अब भूसन्नतियों की विशेषता यहां पर आपको समझाना चाहूंगा। माना कि ये एक सागरीय तली है जो कि छिछली है, ध्यान से समझते जाना बहुत अच्छे से, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, दोबारा ये नहीं समझाऊंगा। इस सागरीय तली को आपने जल से भर दिया। आप बोलोगे सर लाल रंग का कहां से जल होता है, ये लाल है या पिंक है, पर्पल कलर, वाव। पूछो, मुझसे पूछोगे तो इस तरह के जितने कलर देखते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, लाल। इस तरह के जितने कलर कहलाते हैं कौन से हैं, लाल। ओके, मेरे लिए तो सब लाल ही हैं, पर आप लोग अनुभवी हो तो जो भी कलर है मान लेते हैं। ओके, और रंगों का ज्ञान तो तब होगा जब विवाह हो जाओगा और साड़ी खरीदवाने जाओगे। यार इतने प्रकार के रंग निकल कर आएंगे कि आप थोड़ी देर बाद माथा पकड़ के बैठ जाओगे कि यार ये भी रंग होते हैं। ओके, जूता कलर, चप्पल कलर, मोजा कलर, कपड़ा कलर, पता नहीं क्या क्या कलर होता है, सब कलर हो जाते हैं। हम लोग तो सोचते रह जाते कि यार इतना भी कलर हो सकता है, तो होते होंगे। ये हमारे लिए लाल रंग का है, तो मान लो पानी सागर का लाल है। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इधर से आने वाली नदी ने सेडिमेंटेशन किया, इधर से आने वाली नदी ने सेडिमेंटेशन किया। तो ध्यान से, जो बात समझाने जा रही है बहुत अद्भुत बात है। ये जैसे सेडिमेंट्स का जमाव हुआ ना दोस्तों, तो सेडिमेंट्स के जमाव के साथ ये जो तली है, तली में चूंकि इलास्टिसिटी पाई जाती है, प्रत्यास्थता पाई जाती है, तली नीचे की ओर झुकी। क्लियर। फिर से सेडिमेंट्स जमा हुआ, फिर से सेडिमेंट्स जमा हुआ। अब सेडिमेंट्स की सपोज दूसरी परत जमा हो रही है यहाँ पर। अब सेडिमेंट्स की परत से भार यहाँ पर बढ़ा, और जब भार बढ़ा तो चट्टान नीचे की बोलती है अरे यार चुपचाप रहने भी नहीं देता है, तो बेचारी फिर से मजबूरी में ही सही, क्योंकि इसमें प्रत्यास्थता का गुण है, तो फिर से नीचे की ओर झुक जाती है, इधर झुक गई। फिर से दोस्तों अब यहाँ पर सेडिमेंट्स आ रहा है। ये करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया है, 1000-2000 वर्ष की नहीं। फिर से सेडिमेंट्स का जमाव हुआ, तो सेडिमेंट्स के जमाव से यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना, सेडिमेंट्स के जमाव से फिर से भार आरोपित हुआ, और जब भार आरोपित हो गया ना, तो ये यहाँ से फिर से अब भार बढ़ने की वजह से फिर नीचे की ओर झुकती है। क्यों, किस प्रॉपर्टी के कारण? ड्यू टू नेचर ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता के गुण के कारण चट्टान नीचे झुकती, जैसे हमारे सुमित की हथेली दोनों ओर से झुक रही थी। बट दोस्तों एक चीज और नोटिस करना, जितना ही ये नीचे की ओर झुकती जा रही है उतना ही इन दोनों किनारों से इसमें संपीडन बल भी लग रहा है, इसमें कंप्रेशनल फोर्स भी लग रहा है, इसमें दबाव बल भी लग रहा कि नहीं लग रहा है। दबाव बल की वजह से यहाँ पर जो सेडिमेंट्स हैं इनमें फोल्ड पैदा हो जाएगा, तो यहाँ पर वलित पर्वत श्रेणियां बनेगी। क्या बनेगी? वलित पर्वत श्रेणियां। ये भाग जहां ये वलित पर्वत श्रेणियां बन रही हैं इसे कहते हैं ओरोजेन। क्या कहते हैं इसे दोस्तों? एरोजेन या ओरोजेन कहते हैं। जबकि ये किनारे की जो कठोर चट्टाने दबाव लगाती हैं इसे कहते हैं क्रेटॉन। क्या कहते हैं? क्रेटॉन नाम, मतलब क्रेटॉन ओरोजेन पर दबाव लगाया। दबाव लगाने से दोस्तों ध्यान रखना, दबाव लगाने से दोनों किनारों पर वलित पर्वत श्रेणियां बनती हैं और इसके मध्य का जो सेडिमेंट्स मुड़कर पठार बनता है उसे मीडियन मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन मास कहते हैं। हिंदी में इसे मध्य पिंड कहते हैं। क्या बोलोगे इसे? क्योंकि ये मध्य पिंड दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में प्राप्त होता है, इसलिए इसे अंतरा पर्वतीय पठार भी कहा जाता है। क्या बोलोगे? इंग्लिश में इंट्रा माउंटेन प्लेटो बोलो, ठीक है ना। उदाहरण देता हूं, भारत के संदर्भ में दुनिया में मत जाओ अभी। दक्षिण में हिमालय है, उत्तर में कुनलुन शान श्रेणी है, बीच में तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार इसी तरह का मध्य पिंड है। एक तरफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम तो एक तरफ कुनलुन माउंटेन सिस्टम और बीच में क्या है? तिब्बत का पठार है। इस प्रकार के पठारी क्षेत्र मीडियन मास का निर्माण करते हैं। तो ध्यान से, ये जो पूरी की पूरी आकृति हो गई क्रेटॉन और ओरोजेन आदि से मिलकर इसे इन्होंने नाम दिया जियोसिंक्लाइन का, जिसे हिंदी में कहते हैं भूसन्नति। क्या कहते हैं दोस्तों? भूसन्नति। बाद में आकर एक व्यक्ति है जिनका नाम है कोबर महोदय ने यह कहा कि भूसन्नतियां ही वलित पर्वतों के निर्माण के पालना हुआ करती हैं। क्रैडल ऑफ फोल्डेड माउंटेन। छोटा छोटा बच्चा पालने में झूलता है कि नहीं झूलता, पालने में विकसित होता है कि नहीं विकसित होता, उसी तरह से कोबर ने कहा यह वलित पर्वत तंत्र इनके पालने हुआ करती हैं। तो जियोसिंक्लाइन क्या है? जियोसिंक्लाइन वह छिछले सागरीय जल क्षेत्र है जहां निरंतर सेडिमेंटेशन होता है। समझ में आ गई मेरी बात कि नहीं? उस सेडिमेंटेशन की वजह से इन्होंने इसे नाम दिया टेथिस जियोसिंक्लाइन। याद रहेगा ना आप? अब तूने पूछोगे सर जियोसिंक्लाइन क्या है, ओके, अब टेथिस जियोसिंक्लाइन है, फिर क्या कहते हैं? यही वेगनर अगली बात, एक समय विशेष में, और समय का नाम लेते हैं जुरासिक टाइम पीरियड। कार्बोनिफेरस में आप थे, कार्बोनिफेरस के बाद अब ये आते हैं जुरासिक में। किसमें आते हैं? जुरासिक में, जिसकी बात मैं आपसे करना चाहूंगा। लगभग 180 से 120 मिलियन वर्ष पहले की बात है। ये कहते हैं भूगर्भिक हलचल हुई। क्या हुई? भूगर्भिक हलचल हुई। तो हलचल के प्रभाव से नहीं, उन्होंने कहा भूगर्भिक हलचल हुई, पर हलचल के प्रभाव से नहीं कहा। बोलते हैं इस भूगर्भिक हलचल के दौर में दो प्रकार के शक्तियों के प्रभाव से। किस प्रकार की शक्तियों के प्रभाव से? दो प्रकार के शक्तियों के प्रभाव से महाद्वीप टूटे। क्या किए? महाद्वीप टूटे और टूटकर दो दिशाओं में प्रवाहित होने लगे। महाद्वीप टूटकर दो दिशाओं में प्रवाहित होने लगे। तो आखिर कौन सी वो शक्ति है, कौन सी दिशा में प्रवाहित होंगे, इसे मैं बताऊं उससे पहले इतनी बात लिखा दूं। तो लिखो अब, पहली बात लिखा आपने सियाल सीमा पर बिना रुकावट तैर रहा। अब दूसरी बात लिखो, आराम से निकल जाओ बेटा, आराम से निकलो, ठीक है। लिखो सभी, लिखो कार्बोनीफेरस कालखंड में, कार्बोनीफेरस इधर लिखा है बेटा, सब बोर्ड में लिखा रहता है, ठीक है। कार्बोनीफेरस कालखंड में, हिंदी में आप लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, कैसा भी। कालखंड में आज के सभी महाद्वीप, आज के सभी महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में एक साथ संयुक्त रूप से अवस्थित थे, अवस्थित थे, जिसे जिसे पैंजिया कहा जाता है, संयुक्त रूप से अवस्थित थे जिसे पैंजिया कहा जाता है, पैंजिया कहा जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। आप अपनी जानकारी के लिए लिख देंगे पैंजिया मतलब ऑल अर्थ, ठीक है। ये लिखते जाकर अपने अपनी जानकारी से साइड में, जो मैं समझाने के पक्ष बोलता हूं, पैंजिया का मतलब ऑल अर्थ, ठीक। पूर्ण विराम। लिखो इसी बिंदु पर, जिसका केंद्र, जिसका केंद्र आज के डर्बन नगर के समीप था, आज के डर्बन नगर के समीप था। समीप था, पूर्ण विराम। तीसरा बिंदु लिखें, लिखें पैंजिया का उत्तरी भाग, पैंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड, उत्तरी भाग अंगारा लैंड, जबकि दक्षिणी भाग, गोंडवाना लैंड कहलाता था, गोंडवाना लैंड कहलाता था। पूर्ण विराम लगाकर इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य टेथिस सागर या टेथिस सागर या टेथिस भूसन्नति की अवस्थिति थी, टेथिस भूसन्नति की अवस्थिति थी। टेथिस सागर या टेथिस भूसन्नति की अवस्थिति थी। पूर्ण विराम। पैरा चेंज करो, पैरा नहीं, पॉइंट चेंज करो। चौथा बिंदु लिखो, जुरासिक कालखंड में, चौथा बिंदु, चौथा बिंदु लिखो, जुरासिक कालखंड में दो प्रकार की शक्तियों के प्रभाव से, दो प्रकार की शक्तियों के प्रभाव से, प्रभाव से महाद्वीप विखंडित होकर, दो प्रकार की शक्तियों के प्रभाव से महाद्वीप विखंडित होकर क्रमशः दो दिशाओं की ओर, क्रमशः दो दिशाओं की ओर प्रवाहित होने लगे, प्रवाहित होने लगे। नंबर वन या ए बी कर दो, 1 2 3 लिख रहे हो ना उधर, तो यहां ए बी लिखो आप, ए पश्चिम की ओर। डैश दे कलेक्ट तो फिर समझाता हूं। सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के प्रभाव से, गुरुत्वीय की जगह ज्वारीय लिख दो, सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल के प्रभाव से तो बी उत्तर की ओर लिखो, थोड़ी देर बाद लिखेंगे। खड़े हो जाओ सुमित बाबू, खड़े हो जाओ सुमित बाबू, फिर से इस दुनिया में कुछ नहीं होता। आओ फैजान तुम आ जाओ जल्दी। सुमित आज मुझे धक्का दे ही देगा, मैं कुर्सी से भी गिर जाऊंगा। तुम्हारा नवछत्रप तुम हो, तुम्हारा धक्का मैं कहां बर्दाश्त कर पाऊंगा। ओके यंग हूं अभी, चलो तुमने प्रमाणित कर दिया तो मान लेता हूं। भाई आज सुमित हमारा प्रमाणित करता है कि अभी मैं जवान हूं, नहीं तो मैं मान लिया था मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं। ओके तो तुम्हारे बच्चों को मैं बुढ़ापे में पढ़ाऊंगा, जवानी में थोड़ी। ओके कि बच्चे अच्छे बस आगे अस्तित्व में। ओके आगे, अरे मुझे लगा अभी सुमित तैयारी बना लिया है, तो तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना सुमित। ओके अब सुनो ध्यान से, बहुत अच्छे से दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि जेफरी महोदय इसमें घोर क्रिटिसिज्म पैदा करेंगे, घोर। फैजान तुम खड़े रहना, जब मैं बोलूं तब तैयार होना तुम, ठीक है। पर पहले मेरे और सुमित के बीच का गेम है। ओके आज सुमित की स्वेटर फाड़ दूंगा मैं। सुमित पृथ्वी है और मैं चंद्रमा या सूर्य हूं, या फैजान एक सूर्य है और मैं, फैजान तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं चंद्रमा हूं और फैजान हमारा सूर्य है, ठीक है ना। समझ, फैजान तुम्हारा नाम शुद्ध ले रहा हूं ना मैं, गुड। तो अब ये सुमित है, समझने की कोशिश करना। फैजान तुम मेरे पीछे आ जाओ बेटा, पास में आ जाओ, कैमरे में भी दिखना चाहिए क्योंकि बच्चे वहां देख रहे होते हैं। समझना, इसे मैं घुमाऊंगा दूसरी दिशा में और महाद्वीप दूसरी दिशा में चला जाएगा। कैसे? अब ये पृथ्वी है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निरंतर रोटेट करेगा, अर्थात वामवर्त दिशा में। घूमो तुम वामवर्त दिशा, ये अब सही घूमे, हाँ गुड। अरे तुमको छत्रपति बनाऊंगा, गुड। घूमते रहो घूमते रहो, पृथ्वी तो रुकोगे थोड़ी, हम मर जाएंगे रुक जाओगे तो। घूम रहा, बल नहीं खाना है, बस वहीं पर घूमना है, घूम रहा है। अब ध्यान से, मैं हूं चंद्रमा और फैजान है सूर्य, और हम दोनों इस पर अपनी आकर्षण शक्ति लगा रहे हैं। ध्यान से समझते जाइएगा, पृथ्वी निरंतर घूमती है और हम दोनों की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से इसकी सतह पर ज्वार आते हैं, इतना तो आप जानते ही हो। पर ध्यान से सुनना, ये घूम रहा है, घूम रहा, घूमते रहो, तुम देखो नहीं मेरे तरफ, हाँ तुमको समझ में आएगा मैं जो समझा रहा हूं, घबराओ मत बेटा। ये घूम रहा, ध्यान से, मैं अपने आकर्षण शक्ति से इसकी ये स्वेटर पकड़ रहा हूं, बहुत धीरे धीरे घूमना, सच में स्वेटर फाड़ मत देना, ध्यान रखना। ये घूम रहा है, ध्यान से, ये अपने बाएं हाथ की ओर धीरे धीरे घूमता जा रहा है, लेकिन स्वेटर को देखना, स्वेटर इसकी घूमो घूमो, स्वेटर इसकी किधर, दाहिनी हाथ की ओर जा रही है, तो मेरी स्वेटर पकड़ लेना, ठीक है, मेरी स्वेटर पकड़ लेना, चलेगा। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, तुम इधर आओ, अब तुम मेरी स्वेटर पकड़ लेना, नहीं फटेगी, ओके नहीं फटेगी, ठीक। ओके ध्यान से और बहुत अच्छे से समझना, मैं जैसे मैं तुम्हारे सामने घूमूं तुम ये किनारा मेरा पकड़ लेना, ओके ये किनारा पकड़ोगे, ठीक है स्वेटर का, समझने की कोशिश करना। मैं इधर की ओर घूम रहा हूं, अभी मत पकड़ना, मैं इधर की ओर घूम रहा हूं, इसका मतलब मेरी स्वेटर भी मेरे साथ साथ घूम रही है, मेरी स्वेटर भी साथ साथ घूम रही है, घूम रही कि नहीं घूम रही है। या मैं इधर की ओर घूम रहा हूं तो मेरी स्वेटर को भी इधर की उधर, जेफरी यहीं पर आलोचना करेंगे बहुत अच्छे से, इसलिए जोर दे रहा हूं, स्वेटर को भी इधर से इधर की ओर घूमना चाहिए, लेकिन अब पकड़ना, लेकिन जैसे ही मैं इधर की ओर घूमा, इधर से फैजान एवं सुमित मेरी स्वेटर पकड़ा। ध्यान से, मैं इधर की ओर घूमूंगा, स्वेटर इधर की ओर जाएगी, जा रही शटर मेरी इधर की ओर जा रही है, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही कि नहीं जा रही। अगर मैं कहूं कि मैं पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा हूं तो श्वेटर किधर से जा रही है? पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है कि नहीं अपोजिट डायरेक्शन में। किस वजह से जा रही है? सुमित और फैजान, सुमित हमारा चंद्रमा है, फैजान सूर्य है, दोनों बल लगा रहे हैं पर चंद्रमा पास है, सूर्य थोड़ा सा दूर है। ये दोनों बल लगाते हैं तो इन दोनों के बल के प्रभाव से मेरी स्वेट जो भी बोलोगे आप अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, पर जा किधर रही है? ये जा रही है पूर्व से पश्चिम दिशा में। तो इसके लिए यह बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं, कौन बोलता है? वेगनर महोदय कि चंद्रमा एवं सूर्य के ज्वारीय शक्ति के प्रभाव से, ज्वारीय शक्ति के प्रभाव से दोस्तों सारे के सारे भूखंड टूटे और टूट कर किधर जाने लगे? पश्चिम दिशा की ओर जाने लगे। अभी नहीं जाओगे, रुको, नीचे खड़े हो जाओगे। अब दूसरे तरफ देखना, खड़े हो जाओ नीचे और हाँ पीछे का तुम उधर घूमो, घूमे रहना। फैजान तुम भी नीचे जाओ, फैजान तुम बैठ जाओ। अब एक का काम है, अब ध्यान से समझना। एक तरफ तो पश्चिम की ओर घूम ही रहा था कौन? महाद्वीप टूट टूट कर। अब दूसरी दिशा है जो कि थोड़ी सी समझ लो दोस्तों, टेक्निकलिटी है तो मजा आ जाए, आज की क्लास मेरी सार्थक हो जाए। दोस्तों पृथ्वी सारी घूर्णन कर रही है, पृथ्वी सारी घूर्णन कर रही है। मैंने बताया था कि घूर्णन के परिपेक्ष में प्रत्येक भाग समान दर से घूर्णन नहीं करता, बल्कि इक्वेटर तेजी से घूमता है तो पोल धीरे घूमते हैं। याद आया कि नहीं? ये जरूर हम कहते हैं कि 24 घंटे में ही हमारा सुमित घूम गया था, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे गणेश जी मतलब इक्वेटर, बीच वाले इक्वेटर बड़े हैं, समझो कुछ भी समझो, बड़े हैं। तो ये घूमकर इन्हें अपने स्थान पर 24 घंटे में आने में टाइम लगेगा। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो टाइम लगेगा तो इनको क्या करना होगा? स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि टाइम 24 घंटे का ही है। तो स्पीड बढ़ा देते हैं मध्य के सेक्शन और ऊपर वाले को क्या है, ठीक उस तरह से, ठीक उस तरह से जैसे गणेश जी को और कार्तिकेय को कहा गया कि जाओ पृथ्वी के साथ चक्कर लगा कर आओ, तो कार्तिकेय अपना उठाते हैं मयूर वाहन और पृथ्वी के साथ चक्कर लगाने लगते हैं, इक्वेटर के आसपास घूमते हैं। और गणेश जी क्या करते हैं, उनके पिताजी पोल में बैठे थे, माताजी वहीं फटाफट साथ चक्कर लगा के पहुंच जाते। बोले तूने क्या किया? तो बोले मैंने चक्कर लगाया। तो बोले कैसे लगाया? बोले मैंने पृथ्वी का चक्कर लगाया। बोले पृथ्वी का चक्कर तू कहाँ लगाया? बोले जहां आप बैठे हो। बोलते पृथ्वी तो गोल है, गोल पृथ्वी का ऑर्बिट अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही बनता है, अगर ऑर्बिट ऐसा ही बनता है, क्योंकि वो सिद्ध बुद्धि के स्वामी हैं। तो उन्होंने लगाया और जल्दी लगा लिया, जबकि वो इक्वेटर पर चक्कर लगाए तो उन्हें वक्त लगा। पर पृथ्वी के सारे भाग दोस्तों 24 घंटे में घूमते हैं, तो इक्वेटर को तेजी से घूमना होगा। अब सुनना, जब इक्वेटर तेजी से घूमेगा, इक्वेटर तेजी से घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तेजी से लगेगा, आप केंद्रीय बल भी तेजी से लगेगा। समझ रहे हो ना? आप केंद्रीय बल मतलब केंद्र से बाहर फेंकने वाला भी बल तेजी से लगेगा। तो ध्यान से, मैं यहां खड़ा हूं इक्वेटर पर, सुमित वहां खड़ा है नीचे डरबन के पास खड़ा है, समझने की कोशिश करना। अब मैं, हम और सुमित दोनों के दोनों क्या है, पृथ्वी ही है। मैं तेजी से घूम रहा हूं, सुमित के पास का भाग धीरे से घूम रहा है, क्योंकि मेरी ओर केंद्र से, मेरे पास केंद्र से बाहर की ओर फोर्स लगने वाला तेज है, तो मैं क्या करूंगा, जहां केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल तेज होगा वहां सुमित की मैं कॉलर पकड़ूंगा और क्या करूंगा, सुमित को खींच लूंगा ऊपर। क्या करूंगा? खींच लूंगा ऊपर। खींच लिया? डरे तो नहीं? फिर नीचे जाओ। यहां सुमित के पास ताकत कम है वहां पर, क्योंकि वहां पर घूर्णन दर मंद है, मेरे पास घूर्णन दर तीव्र है। तो तीव्र से बाहर की ओर फेंकाने वाला बल भी तीव्र होगा, जैसे आप केंद्रीय बल कहते हैं। तो जहां फेंकाने वाला बल तीव्र होता है, रुक जाओ, तो मैं सुमित की यहां से कॉलर पकड़ा और यहां फटाफट सुमित को खींच लिया। इसका मतलब इसे बोलते हैं, ध्यान रखना, फोर्स ऑफ बोयंसी। क्या बोलोगे? जो ऐसा बल लगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि तैर रहा है, तैरने के क्रम में कौन बल लगता है? उत्प्लवन बल लगता है। आप केंद्रीय बल ने उत्प्लवन बल के प्रभाव से सुमित को यहां पर खींचा, किधर की ओर खींचा? इक्वेटर की ओर खींचा। मैं कहां था? इक्वेटर में था। समझ में आई मेरी बात की नहीं? तो अभी ये सारा का सारा भाग दक्षिण में है। मैं यहाँ इक्वेटर पर था, सुमित यहाँ खड़ा था, तो मैंने इसे खींचा किधर की ओर, उत्तर की ओर। किस प्रभाव से, ध्यान से, इक्वाटोरियल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था वहां पर लग रहा फोर्स ऑफ बोयंसी, उत्प्लवन बल लग रहा है तीव्रता से। तो पहली यह शक्ति है जिसने इन भूखंडों को किधर खींच लिया, उत्तर की ओर खींचा। फिर न्यूटन का नियम कहता है कि अगर पिंड गतिशील है तो क्या चाहेंगे, गतिशील रहना चाहेंगे। जब ये उत्तर की ओर गए तो इनकी अपनी गतिशीलता बनी रहनी चाहती है, और बनी रहने चाहती गतिशीलता में कहते हैं ना कि सोने में सुहागा एक और शक्ति काम करती है, पोलर अट्रैक्शन फोर्स। अब पोलर अट्रैक्शन फोर्स क्या है यह भी समझो। आप जानते हैं कि इक्वेटर में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम होता है, जबकि पोल में गुरुत्वीय बल सबसे अधिक होता है। तो पोल जब ये आ रहा था, इक्वेटर बोलता है आ मुझे तेरी ही जरूरत थी। कौन बोलता है, इक्वेटर। और इक्वेटर अपनी ताकत लगाकर इस नवजात बच्चे को जो अभी नया नया महाद्वीप बनने वाला था किधर खींच लिया, अपनी ओर खींच लिया। इसीलिए दुनिया के ज्यादातर महाद्वीप, 80% महाद्वीप का हिस्सा किस गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता। समझ में आया कि नहीं? पश्चिम क्यों गए समझ में आया, उत्तर क्यों गए समझ में आया। तो बैठ जाओ सुमित, अब पढ़ो अपने पहले पॉइंट को। मैंने क्या लिखाया है, पश्चिम की ओर सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल के प्रभाव से। क्लियर हो गई लाइन कि नहीं? ज्वारीय बल किधर लगेगा, तो उसमें एक लाइन जोड़ दो, बल्कि दूसरे पॉइंट लिखने से पहले एक लाइन जोड़ दो। पहले बिंदु में जोड़ोगे, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कार्य करता है। बस, विपरीत दिशा में कार्य करता है, लिख दिया। ओके, अब नेक्स्ट लिखो उत्तर की ओर, बी पॉइंट। बी पॉइंट उत्तर की ओर, उत्तर की ओर में डैश देकर लिखेंगे, विषुवतीय उत्प्लवन बल, इक्वेटोरियल फोर्स ऑफ बोयंसी, विषुवतीय उत्प्लवन बल एवं ध्रुवीय आकर्षण बल, के प्रभाव से, के प्रभाव से पूर्ण विराम। अब दो दिशाओं की चर्चा इन्होंने कर दी कि इन दिशाओं पर महाद्वीप प्रवाहित होकर गए। अब आगे ध्यान से सुनना। लोगों ने पूछा, अरे भाई कुछ और भी तो बता दो, तो बोले बताएंगे ना। बोलते अब तुमको बताता हूं, ये बोलते अब तुम सबको बताता हूं द्वीप कैसे बने, आइलैंड्स कैसे बने। तो सुनना ध्यान से इन्होंने क्या कहा। द्वीपों के बारे में कहा मैंने नहीं, इन्होंने जो कहा। गलती लगे तो इनके ऊपर सोचिएगा, मेरे ऊपर नहीं। द्वीपों के बारे में क्या कहा, उदाहरण देकर समझाया, और वही उदाहरण अक्षरशः मैं आपको समझाता हूं। भेड़ों को चराने वाले को क्या बोलते हैं, गड़रिया। यस, गड़रिया बोलते हैं। तो बोला कि एक गड़रिया भेड़ों के झुंड को लेकर जा रहा था, जिसमें कुछ बड़ी भेड़ें थी तो कुछ छोटे बच्चे मेमने थे भेड़ों के। बोले जाने के क्रम में यह देखने में आता है कि गड़रिया आगे आगे है, सारी भेड़ें उसका पीछा कर रही है। पीछा करने के क्रम में जो बड़ी बड़ी बलिष्ठ भेड़ें हैं वह आगे हैं, जबकि छोटे छोटे मेमने पीछे छूट जाते हैं। ठीक इसी तरह से जब चंद्रमा सूर्य के आकर्षण शक्ति और विषुवती उत्प्लवन बल के प्रभाव से भूखंड टूटकर संचरित होना शुरू किए, संचरण के क्रम में बड़े बड़े भूखंड क्या किए, आगे बढ़ गए, जबकि छोटे छोटे भूखंड मेमने के भांति कहां चले गए, पीछे छूट गए। और जब ये पीछे छूटे तो पीछे बचा क्या, सागर, क्योंकि वैसे पहले से भी चारों तरफ सागर ही सागर था। तो जब बड़े खंड आगे चले गए, पीछे छोटे छोटे खंड रह गए, तो पीछे क्या है अब छोटे खंडों के चारों तरफ, सागर है। तो इस प्रकार से प्रवाह के क्रम में पीछे छूटे छोटे हिस्से किसका निर्माण करते हैं, द्वीपों का निर्माण करते हैं। द्वीप बना दिया इन्होंने। ओके, तो लोगों ने पूछा और कुछ बताओ कि पर्वत वगैरह कैसे बने, ज्वालामुखी कैसा बना, तो बोले यस, कॉपी दिखाओ फटाफट, तुम भी दो बेटा, बोले यस पक्का पक्का बताएंगे पर्वत कैसे बने। इन्होंने बताया कि ठीक ऐसा समझो, तुम अपनी कॉपी बंद करो, इन्होंने कहा कि ठीक ऐसा समझ लो कि ये है जो दोस्तों सीमा है और ये सियाल है। देखना सियाल और सीमा के कॉन्सेप्ट को देखना, ये सियाल है और ये सियाल है और ये सीमा। कोई बात नहीं, व्यस्त रहो दोस्त, व्यस्त रहो, ओके, कोई दिक्कत नहीं। मुझे समझने की कोशिश करना। बोलते हैं कि हमने समझाया है कि सियाल सीमा पर फ्लोट करता है, पर फ्लोट करने के क्रम में ध्यान से समझना। बोलते हैं जब भी कोई सतह आपस में टकराती है तो उसके बीच लगता है क्या, घर्षण बल लगता है। लग रहा फ्रिक्शन, किने लग रहा है, बोले इस फ्रिक्शन बल से फ्रिक्शनल हीट एनर्जी रिलीज होगी, जिससे चट्टाने मेल्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे, चट्टाने मेल्ट हैं, तापमान अधिक है, आयतन में प्रसार हुआ, ऊपर की ओर निकलेंगी और ज्वालामुखी फटेगा। क्या फटेगा, ध्यान से, जब ये फ्रिक्शन लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन के प्रभाव से चट्टानें टूटेंगी, चट्टानों में बंकन आएगा, चट्टानों में चटकन आएगा, चट्टानों में भ्रंसन आएगा। चट्टानों के चटकन, भ्रंसन, वलन आदि से ध्यान रखना इस भौगोलिक प्रदेश में भूकंप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। फिर क्या बोलते हैं, किनारों में जो घर्षण लगा है तो ध्यान से, किनारे मुड़ेंगे और उन मुड़े हुए किनारों से वलित पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हो जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात कि नहीं, किनारे जब मुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वलित पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन पर बाद में लांछन भी लगाया जाता है। पीटिए तुम इस बच्चे को, एक झापड़ मारो खींच के, मारो अपने बगल वाले को, नहीं तुम अपने बगल वाले को मारो, हाँ मारो एक झापड़ इसको खींच के, गुड। अब तुम सोओगे तो इनसे भी तुमको पिटवाऊंगा। तो दोस्तों मजे की बात बताऊं, राजेश मिश्र रूपी मां इतनी प्यारी लोरी सुनाती है कि जब राजेश मिश्र रूपी मां लोरी सुना रही थी तो कुछ बच्चे सो रहे थे। वाह रे माँ वाह, कितना प्यारा गाती है। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं भी अच्छी लोरी सुनाता हूँ। सोले बेटा सोले, सोले, घर में नहीं सोने को तुझे मिला ना, सोले, ओके। तुम सो रहे हो तो कुछ लोग और भी कहीं व्यस्त हैं, ओके। तो ध्यान से सुनो, इस प्रक्रिया में इन्होंने द्वीप निर्माण, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत उत्पत्ति आदि सबकी व्याख्या, केवल महाद्वीपीय प्रवाह को करके प्रवाह के साथ ही सबको जोड़ दिया। बाद में दोस्तों इनकी इन तमाम पक्षों पर कटु आलोचना होगी, पर आलोचना तो बाद में होगी, पहले इनकी बातें लिखते हैं। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, यस नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, लिखो जो भी, मतलब पांचवा छठवां जो भी बिंदु आएगा, सी नहीं चौथा पांचवा जो आएगा, पांचवा, ठीक है। तो लिखो प्रवाह के क्रम में पीछे छूटे भूखंड के छोटे छोटे हिस्से छोटे छोटे हिस्से व्हाट द्वीप कहलाए। द्वीप आइलैंड्स द्वीप कहलाए। पूर्ण विराम। इसी में पांचवें में ही लिखें सियाल सीमा पर तैरता हुआ, सियाल सीमा पर तैरता हुआ किनारों पर घर्षण बल आरोपित, किनारों पर घर्षण बल आरोपित करता था, जिससे मुक्त घर्षणात्मक ऊर्जा के प्रभाव से चट्टाने पिघलकर ज्वालामुखीय उद्गार को जन्म देती हैं। पूर्णविराम। तथा घर्षण से चट्टानों में आया, चटक गई चट्टाने, कॉमा भ्रंशन एवं वलन चटकन भ्रंशन एवं वलन आदि ने भूकंपीय दशाओं को पैदा किया। पूर्णविराम लगाओ। पूर्णविराम लिखो इसी में सियाल के किनारों पर लगने वाले घर्षण से व्यापक पैमाने पर मुड़े हुए किनारों ने किनारों ने वलित पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति की। जैसे उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे में में रॉकी एवं एंडीज का पाया जाना पाया जाना। पूर्ण विराम। चित्र ये वाला बनाओगे जो मैंने बनाया है। ये दिस वन पृथ्वी इक्वेटर, नीचे पैंजिया, चारों ओर पैंथालसा, ये वाला चित्र। इनको ज्ञान नहीं था। ध्यान रखना, मैं जहां रुका हूं मतलब कौन रुका है? वेगनर। प्लेट टेक्टोनिक तक आते आते मैं सब बोल डालूंगा। तो कौन बोलेगा प्लेट टेक्टोनिक? उसमें भी राजेश मिश्रा नहीं बोलेंगे। कौन बोलेगा? प्लेट टेक्टोनिक। सुमित, तुम महाद्वीप को कुछ ज्यादा ही छोटा बना दिया बेटा। चलो ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर तो फिर आप जब इन तस्वीरों को लगवाते क्यों हो डेली? तो मैंने सुना है कुछ लोग दीदारे हुस्न के शौकीन होते हैं। उन शौकीन लोगों के लिए ये दिखाते रहते हैं कि ये भी है, पर इसकी जरूरत आपको थोड़ी है दोस्तों, YouTube वालों को जरूरत है। आपको तो पेन डाउन करनी है हर चीज और कल के डेट में मीन्स लिखना है, तो हर चीजें स्वयं बनानी होगी। ये सारे भूखंड को लिखोगे आप लोग, मैंने नहीं लिखा पर आपको लिखना है। इसका नाम क्या लिखोगे आप? ऐसा यहां पर तीर का निशान देकर इसका नाम लिख देना, ये पैंजिया है। और चारों तरफ जो ये सागर है इसका नाम क्या लिख दोगे? ये पैंथालसा है। क्या है? पैंथालसा है। बाजार में जाकर पैंथालसा कहोगे, कुछ लोग आपकी गर्दन पकड़ लेंगे, तो उनकी गर्दन पकड़ के तोड़ मत देना कि मेरे राजेश सर पढ़ाए हैं, मुस्कुराकर अपनी गर्दन छुड़ा लेना बस। ठीक है, लिख दिया सब कुछ, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है ठीक है, कर लो सभी। और करते हुए मेरी बातों को सुनोगे। एक विद्वान है जिसे अपने आप पर बड़ा अहंकार था, रशल आगे चलकर इन पर लांछन लगाएगा कि वेगनर अपने सिद्धांत की व्याख्या वैज्ञानिकों की तरह नहीं बल्कि वकीलों की तरह करता। वेरी गुड, एडवोकेसी करता है, एडवोकेट की तरह करता है। क्यों? कहानी सुनो दोस्तों। एक जगह एक मर्डर हुआ, मान लो आपके किसी जानने वाले का हुआ, मर्डर हुआ और मर्डर के बाद पोस्टमार्टम आदि हुआ और पता चला कि जिसकी हत्या हुई है किसी धारदार हथियार से वार करने की वजह से उसकी हत्या हुई। अब केस गया कोर्ट, कोर्ट मांगता है एविडेंस कि आपने भाई कही है कि हमारे क्लाइंट की हत्या की गई है और हत्या सुमित ने की है, तो प्रूफ करो कैसे सुमित ने हत्या की है। अब मैं हूं वकील, ठीक है सुमित, थोड़ी देर के लिए अब तुम्हें हत्यारा साबित करना है मुझे, हो जाओगे? तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैंने किया क्या कि सबसे पहले कुछ एविडेंस जुटाना शुरू किया। हत्या हुई है और हत्या सुमित ने की है, इसे मुझे प्रूफ करने के लिए कोर्ट को क्या देने होंगे? साक्ष्य देने होंगे। कोर्ट साक्ष्य मांगता है, मांगता ना बेटा, तो कोर्ट साक्ष्य मांगेगा। अब ध्यान से सुनना, साक्ष्य मांगा तो इन्होंने साक्ष्य जुटाने शुरू किए। सबसे पहले मैं भागा, वो जो स्पॉट था जहां पर मर्डर हुआ था, वहां पर क्राइम स्पॉट जो था वहां पर मैं गया, इधर उधर भटका तो मुझे एक धारदार चाकू, रामपुरी चाकू मिला। अब मैं दौड़ा 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 जज सबके सामने गया कि योर ऑनर देखिए 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 रामपुरी चाकू मिला है और देखिए इसमें कुछ लाल निशान भी हैं, मुझे लगता है कि मेरे क्लाइंट की हत्या इसी चाकू से सुमित ने की थी। जज साहब कहते हैं ठीक है, फोरेंसिक टेस्ट कराते हैं, कराया गया टेस्ट में पता चला कि ये चाकू में कोई, ये जो लाल धब्बे हैं ये लाल धब्बे जंग के धब्बे हैं, इस चाकू से कोई निशान नहीं हुआ था और बॉडी में जो निशान थे वो चाकू के नहीं बल्कि और किसी बड़े उपकरण के थे, धारदार हथियार के ही। ओके, अब मैं वकील हूं तो मुझे केस तो हारना नहीं, फिर भागा भागा गया क्राइम स्पॉट पर और गया, थोड़ी दूर बाद मुझे एक तलवार पड़ी हुई मिली, मैं उठाकर लाया, भागा भागा भागा, जज साहब देखिए देखिए इस तलवार से हत्या की गई थी मेरे क्लाइंट की, यह सुमित हत्यारा है। जज साहब बोलते ठीक है चेक करवा लेते हैं, फिर से इसकी फोरेंसिक जांच की जाए भाई, उसमें ब्लड के निशान तो जरूर थे, ब्लड स्ट्रेन थे। दोस्तों ये बात सत्य थी कि उस तलवार में किसी का मर्डर हुआ था, पर जिसका मर्डर का केस मैं लड़ रहा था उसका डीएनए से मैच नहीं खा रहा था। अब मैं इसी तरह से अपनी बात को प्रूफ करने के लिए एविडेंस पर एविडेंस, एविडेंस पर एविडेंस, एविडेंस पर एविडेंस दिया जाऊंगा। तो ये जो क्रिया कहलाती, ये कहलाती एडवोकेसी। क्या कहलाती है? क्लियर है ना? तो ये यही काम करना शुरू कर देते हैं। कौन? वेगनर। वेगनर ने अपनी जितनी बात, मैंने 5 बात लिखाई ना 6 बात, जो भी 5 बात कही, उस 5 बात को अब प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। और प्रूफ कैसा करने करते हैं? एविडेंसेस के माध्यम से, साक्ष्यों के माध्यम से प्रयास करते हैं। तो लोगों ने कहा क्या यार तुझे तो एक साइंटिस्ट की तरह साइंस बताना चाहिए और तू एक वकीलों की तरह साक्ष्य पर साक्ष्य देकर के अपनी बात प्रूफ करना चाहता है। तो यह उन पर फिर लांछन लगा। लेकिन पहले ये तो जानो कि इन्होंने एविडेंस क्या दिए। यूपीएससी में 2014 का मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन तो लिखो सभी के सभी, हेडिंग देना है सिद्धांत के पक्ष में प्रस्तुत किए गए प्रमाण। सिद्धांत के पक्ष में प्रस्तुत किए गए प्रमाण। प्रस्तुत किए गए प्रमाण। ये चित्र भी नहीं बनाया ना आपने, फटाफट कहीं साइड वीडियो पहले बनाओ फिर प्रमाण लिखाता हूं। फटाफट कहीं बनाओ। कोबर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पूरा सिद्धांत दिया था। कोबर का भूषणति सिद्धांत कहलाता है। इसे चित्र बना लो, पढ़ा दूंगा, ध्यान दिलाना प्लेट टेक्टोनिक के बाद। बहुत अच्छा सिद्धांत है, पढ़ा दूंगा। बोलना, या तुमको जिम्मेदारी देता हूं, बोलना सर जियोसिंक्लाइन थ्योरी पढ़ा दूंगा आप, ठीक है? पढ़ा दूंगा, तुम मत पूछो, अभी जितना दिख रहा है उतना बना लो बस, ठीक है? पर याद दिलाना, क्योंकि पर्वतोत्पत्ति के नवीन सिद्धांत आगे यूपीएससी पूछेगा और उसमें से इससे लिंक करना होगा। तो बढ़िया लिंक करा के पढ़ा दूंगा। अरे अभी तो दोस्तों आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा और नवीनताएं बताऊंगा, बढ़िया बताएंगे। हाँ बेटा, है क्यों? अच्छा बिटिया मुझे अल्फाबेट पूछ रही है। देखो मैं जी लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा और क्यू लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। मार डालूंगा बिटिया तुमको मैं, ओके? जीवित रहना है ना तुमको, अब समझ लिया करना, ओके? ओके चलो अब आगे बढ़े, साक्ष्य देते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला साक्ष्य लिखो, पहला साक्ष्य लिखो, जैसा बताऊंगा बस वैसे लिखते जाना। पहले साक्ष्य में ध्यान से जियोलॉजिकल एविडेंस मतलब भूगर्भिक साक्ष्य, भूगर्भिक साक्ष्य जियोलॉजिकल एविडेंस लिख दिया। अब ध्यान से सुनोगे, लिखोगे नहीं, सुनोगे। सबसे पहला दोस्तों इसमें आता है, सबसे पहला आता है जिगसा फिट। बिटिया जी है ये, ठीक है, क्यों नहीं है, तो क्या है ये जिगसा फिट। अब सुनना, सारी चीज पहले ध्यान से समझ लेनी तब लिखना है। पहला पॉइंट समझा देता हूं तब लिखाऊंगा। दूसरा बिंदु इसमें आता है, ध्यान से, तीसरा बिंदु इसमें आता है और बहुत अच्छे से समझेंगे। पहला जिगसा फिट को समझो। जिगसा फिट में इन्होंने कहा, हालांकि ये इनका अनुसंधान नहीं था, प्लेसेट महोदय थे, प्लेसेट ने बहुत गंभीर उस पर रिसर्च किया था और तब बताया कि अटलांटिक महासागर के दोनों ओर के देश, जैसे यहां मैं दिखाना चाहूंगा, सपोज दिस वन इज North America and this one is South America. दो देश हो गए, इधर की ओर देखो, this one is Africa और इधर की ओर देखो, सपोज ये आ गया हमारा यूरोप, यहां आ गया ब्रिटिश द्वीप समूह, यहां आ गया आपका ग्रीनलैंड और ये बीच का हो गया अटलांटिक महासागर। हो गया ना दोस्तों, अटलांटिक महासागर के दोनों ओर के देशों के बारे में इन्होंने कहा कि अगर इन्हें उठाएं और उठाकर आपस में चिपकाना शुरू करें, इन्हें उठाएं और उठाकर आपस में चिपकाना शुरू करें। ओके, एक कोई लिखा हुआ ऐसा पेज दो जिसमें फाड़ दूं तो कोई फर्क ना पड़े। हाँ यही दे दो बेटा, कोई फर्क पड़ेगा फाड़ने से? नहीं फर्क पड़ेगा। सुनना ध्यान से, इनके शब्दों को सुनाता हूं बेटा, तब तो मजा आएगा ना पढ़ने का, नहीं तो बस ऐसे पढ़ के तो 5 मिनट में मैं टॉपिक खत्म कर दिया होता, 5 घंटे में पूरा यूपीएससी क्लियर, 5 घंटे में यूपीएससी क्लियर, चुटकी बजाते हुए। ध्यान से इन्होंने कहा क्या, सुनना। अब थोड़ा सा रूपक प्रदान करता हूं ताकि आपको याद रहे दोस्तों। ये जो था, पढ़ना मत क्या लिखा है, ये उन्होंने बड़े प्यार से मेरे लिए लिखा था, बड़ी इच्छा जानने की, पर कम वक्त समय खराब था। तो जैसे ही ये डाकिया बाबू लेकर आए तो डाकिया बाबू ने पिताजी को पकड़ा दिया। ओहो दोस्त, मेरा भाव में भर गया कि लिखे जो खत तुझे, सारी रात में लिखे थे तो पेन से ही लिखे थे कि डॉट 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 से। ओके, अरे भारत है, भारत में तो कुछ लोगों ने आंसुओं से चीजें लिखी, तो कुछ ने तो अपने रक्तों से लिखा। अब मित्र ने किससे लिखा मुझे नहीं पता, गॉड नोज। तो उन्होंने जो ये पत्र लिखा, ये पत्र पिताजी के हाथ में चला गया और ध्यान से सुनना, पिताजी बेहद ही बेदर्दी के साथ दोस्तों इस पत्र को फाड़ दिए। दिल बैठ गया। जब पिताजी ने बेदर्दी से इस पत्र को फाड़ा, और फाड़े बस नहीं, इसे फाड़ तो दिए और इसके फाड़े हुए टुकड़ों को ले जाकर दोस्तों उन्होंने क्या किया, इसे डस्टबिन में डाल दिया। और मुझे बुलाया और इतनी डांट लगाई कि मैं पानी हो गया। अब सुनते जाना ध्यान से। बट कहते हैं ना, अब बात तो प्रेम की थी। जब बात प्रेम की हो तो इंतजार पिताजी के जाने का था। पिताजी जैसे घर से गए अपने ड्यूटी के लिए, हम डस्टबिन के पास लपाक से दौड़े दौड़े भागे और इसके प्रत्येक एक टुकड़े को उठा लाए। और प्रत्येक एक टुकड़े को उठाकर आंखों में अश्रु है, नयन भीगे हैं, और इसके प्रत्येक टुकड़े को प्यार से एक अरे एक टुकड़ा गायब हो गया, ओहो देखो नीचे गिर गया वो भी। इसके प्रत्येक टुकड़े को ध्यान से सुनना, इसके प्रत्येक टुकड़े को प्यार से हम क्या करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते। मैं भूल गया कहाँ का टुकड़ा था, काहे का ये इश्क, काहे का कुछ, पर ये तो सब बस, ये तो सुमित का कमाल है कि ऐसे पढ़ाना पड़ता है। ओके, अब ये टुकड़े मैंने जोड़े यहाँ पर, और ध्यान से ये टूटे हुए चार टुकड़े, अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये टूटे हुए चार टुकड़ों को जब फिर से मैंने उसी क्रम में व्यवस्थित लिखा, जोड़ा, तो जैसे जोड़ा तो उनके द्वारा लिखी गई सारी कहानी मेरे आंखों के सामने पुनः प्रकट हो गई। समझ गए मेरी बात की नहीं? मतलब ये टुकड़े जब इधर उधर पड़े थे तो इसमें लिखी इबारत, इसमें लिखे भाव, इसकी लिखी कहानी मेरे किसी काम की नहीं थी। इसमें कोई आपस में जोड़ नहीं था, इसमें कोई मिलाप नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने इनके सारे टुकड़ों को आपस में मिलाया तो अद्भुत रूप से ये जुड़कर यह उसी पूरी इबारत को कह डालते हैं, उसी पूरी कहानी को कह डालते हैं जो कहानी लिखने वाले ने लिखा था। यही कहलाता है जिग्सा फिट। समझ में आ गया? याद रहेगा ना? अर्थात ये भूखंड आज टूटकर दूर दूर गए हैं, ये बात सत्य है, लेकिन एक कालखंड विशेष रहा होगा जब ये आपस में जुड़े होंगे। ये कैसे पता चलता है? जैसे मैंने यहां पर दिस वन, ये साउथ अमेरिका है। ये कौन सा अमेरिका दोस्तों? साउथ अमेरिका है। अगर इसके पास हम यहाँ अफ्रीका को लाते हैं तो देखो कैसे अद्भुत रूप से ये एक दूसरे से चिपक गए हैं। चिपक गए कि नहीं चिपके हैं? इसी तरह से दोस्तों जब हम यहाँ से उत्तर अमेरिका से, ध्यान से, उत्तर अमेरिका को, ग्रीनलैंड को और इन सब को यहाँ लाकर जोड़ते हैं तो यूरोप का ये वाला भाग जो ये आइबेरियन पेनिनसुला का है, ये वाला भाग आकर यहाँ फिट हो जाता है, ये वाला भाग आकर यहाँ फिट हो जाता है, और ये सब मिलकर एक बड़े विशाल भूखंड की रचना करते हैं। यह कहानी इस बात का द्योतक है, यह अवश्य ही कभी आपस में जुड़े रहे होंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब लिखो ना, यदि भूगर्भिक साक्ष्य में पहला जिग्सा फिट लिखेंगे, पहला जिग्सा फिट, यदि गोंडवाना एवं अंगारा लैंड के विविध महाद्वीपों को पुनः पास लाया जाए तो वह अद्भुत रूप से एक दूसरे से संयुक्त होकर इनके पूर्व की गाथा को प्रकट करते हैं। पूर्ण विराम लगाओ। यह इस बात का प्रमाण है, कि सभी भूखंड सभी भूखंड पैंजिया के रूप में अवश्य रहे होंगे पूर्णविराम। और जल्दी से ये वाला चित्र बनाएंगे आप जो बना हुआ है यहाँ पर, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका बना डालेंगे। बनाओ फटाफट ऐसे ही पास पास करके। कठिन है, मैं ड्रॉ करूं तो ज्यादा सरल हो जाएगा या कि देखकर, बात वही है। फटाफट बनाओ फटाफट फटाफट जिग्सा फिट में। बातचीत नहीं करना दोस्तों। बिटिया तुम मेरा खून पी जाओ। बहुत सरल है बेटा, यही तो बनाऊंगा, यही बनाना है। क्या बोली है? हैं? कुल मिला के मैं समझ रहा हूँ आपकी गपबाजियां बता रहे हैं आप क्या करना चाहते हो। इतना नहीं घुमाना है बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट। दुनिया का मैप बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए पता है? किस गोला से आई हो? ई गोला में ऐसा वाला लोग नहीं रहता है। अब स्टैम्प में लिख कर दोगे क्या? चुप, बन गया, बन गया तो चुपचाप बैठो। ओके भारत का मैप 52 सेकंड, दुनिया का मैप 1 मिनट 50 सेकंड में बनना चाहिए। मैं साइड हो जाऊं, ठीक है। जब मतलब का समय आएगा तो बताऊंगा बेटा, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब है कुछ नहीं। क्या मतलब है? कुछ नहीं। हाँ वो भी लिखना पड़ेगा, व्हाइट वाला है वो भी लिखना पड़ेगा। और भी कोई प्रश्न? हाँ, पता चलता है इससे, बहुत कुछ पता चलता है। ये लो, हमारा सुमित घड़ी लगा के बनाया है 1 मिनट 6 सेकंड में दुनिया का मैप। जितना बन गया आप उतने में रुक जाओ, पर्याप्त है उतना। जिग्सा फिट में आपने दिखाया कि ये सब आपस में जुड़ते हैं। अब दूसरी बात सुनना ध्यान से, दूसरी बात अब समझाने चाह रहे हैं। यहां पर आपको ये दिख रहे हैं, ये एक कलर दिख रहा होगा, ये जो है, ध्यान से, ये जो है इसे यहां कहा जाता है बोर बोरेमा, आप ये नहीं लिखोगे, और इसे यहां पर की कहा जाता है गिनी तट, गिनी तट। ये अब इसको मैं मिलाकर बना रहा हूं। ये गिनी तट और बोरबोरेमा पठार की चट्टाने एकदम एक जैसी हैं, एक ही कालखंड की, एक ही संरचना की। यदि हम इन्हें आपस में जोड़ते हैं तो यहां जब ये अलग पड़ी थी तब तो अलग थी, यहां पड़ी थी तो अलग थी, लेकिन जब जोड़ते हैं तो ये अद्भुत रूप से आपस में जुड़ती हैं। और जुड़ने का मतलब कि ये कहता है कि जो ये आज कागज के टुकड़े ये आज फटे फटे अलग जगह में प्राप्त हो रहे हैं, यह सच में कभी आपस में एक साथ जुड़े रहे होंगे। तो लिखो बी पॉइंट। ब्राजील के उत्तर पूर्वी तट, बी पॉइंट इसका, ब्राजील के उत्तर पूर्वी तट, उत्तर पूर्वी तट एवं अफ्रीका के गिनी तट, अफ्रीका के गिनी तट की चट्टानें समान कालखंड तथा संरचना वाली हैं, समान कालखंड तथा संरचना वाली हैं। यह भी इंगित करता है कि टूटने से पहले अवश्य ही दोनों भूखंड साथ रहे होंगे। अरे ढेर सारा उदाहरण दोस्तों, ढेर सारा। अब सी, एक तीसरा उदाहरण देता हूं। सी, तीसरे उदाहरण में आओ सभी, सी पॉइंट में। सी पहले के अंदर ही सी पॉइंट। अब ध्यान से सुनना, इधर मैंने बनाया सपोज नॉर्थ अमेरिका, दिस वन इज, छोटा सा बना रहा हूं ताकि हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। सपोज दिस वन इज नॉर्थ अमेरिका। यहां है ग्रीनलैंड और यहां है यूरोप, यहां है ब्रिटिश द्वीप समूह। अब ध्यान से, एक्चुअली यहां एक विशेष प्रकार की चट्टान पाई जाती है, श्रेणी पाई जाती है, जिसे लॉरेंशियन रेंज के नाम से या न्यू इंग्लैंड रेंज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? लिखता भी जाता हूं ताकि आप में कोई कंफ्यूजन ना हो। न्यू इंग्लैंड, बिटिया ये जी लिखा है, ठीक है, ओके। फिर यहां एक रेंज है जिसे कहते हैं ग्रीनलैंड, यहां है स्कॉटलैंड रेंज, और यहां फिर एक रेंज पाई जाती जिसे कहते हैं स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया। ये रेंजेस हैं। इनकी विशेषता ये सभी एक ही कालखंड की हैं, कैलेडोनियन ओरोजेनी की। दूसरा, एक ही संरचना की, मतलब जो पदार्थ इसका है वही पदार्थ इसका है, वही पदार्थ इसका है, वही पदार्थ इसका है। अब ये सारे टुकड़े अलग अलग है। अब एक काम करते हैं, इनको पकड़कर चिपका देते हैं। इनको चिपकाएंगे तो सच में अद्भुत रूप से ये चिपक करके कुछ इस तरह हो जाती है। यहां से इसे चिपकाओगे तो ये एक रेंज के रूप में दिखाई देने लगती है, सब चिपक कर एक सीधी रेंज बनती है। यह घटना भी एक अद्भुत संयोग नहीं बल्कि इस बात की कहानी है कि टूटने के पहले यह आपस में इकट्ठे अवश्य रहे होंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो लिखो सी पॉइंट में। लिखो। अमेरिका की न्यू इंग्लैंड श्रेणी, अमेरिका की न्यू इंग्लैंड श्रेणी कॉमा लगा दो, ग्रीनलैंड कॉमा स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड एवं एवं स्कैंडिनेविया श्रेणी, स्कैंडिनेविया श्रेणी आदि आदि एक ही कालखंड की, तथा एक ही संरचना वाली हैं। जिन्हें यदि समीप लाया जाए, जिन्हें यदि समीप लाया जाए तो यह पृथक पृथक नहीं बल्कि एक पुरातन श्रेणी का, श्रेणी का रूप धारण कर लेती हैं। मतलब पुरानी एक कोई श्रेणी रही होगी, रूप धारण करती हैं। यह केवल संयोग मात्र नहीं, यह केवल संयोग मात्र नहीं बल्कि इनके आपस में जुड़े होने का प्रमाण है, जुड़े होने का प्रमाण है। पूर्ण विराम। पहली बात समाप्त। पहली बात थी जियोलॉजिकल एविडेंस, भूगर्भिक साक्ष्य। क्लियर है ना? और भी साक्ष्य पर तीन बहुत हैं। तो अब दूसरा आपको लिखना है पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस। दूसरा बिंदु लिखेंगे पूरा जलवायविक साक्ष्य। दूसरा बिंदु लिखेंगे पूरा जलवायविक साक्ष्य या प्रमाण, पूरा जलवायविक साक्ष्य या प्रमाण। पहला कौन सा था? भूगर्भिक प्रमाण। दूसरा कौन सा होगा? पूरा जलवायविक प्रमाण। अब इसमें भी हम क्या करेंगे? ऐसे ही ए बी करके लिखेंगे। लिखो ए, लिख चुके हो, बात दोहराना केवल ए। लिखो विषुवतीय उष्ण कटिबंधों में, विषुवतीय उष्ण कटिबंधों में पुरानी हिमानियों के निक्षेप, पुराने हिमानियों के निक्षेप, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इवेपोराइट निक्षेप का पाया जाना, हिमानियों के निक्षेप इवेपोराइट का पाया जाना। तो बी पॉइंट, जर्मनी पोलैंड जैसे, जर्मनी पोलैंड जैसे जैसे शीतोष्ण कटिबंधों में कोयले का पाया जाना, कोयले का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि इस बात का प्रमाण है कि याकी जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन हुआ होगा। जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन हुआ होगा या महाद्वीपों का विस्थापन हुआ होगा। पूर्ण विराम लगाकर विस्थापन अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। इन्होंने किसका समर्थन किया? विस्थापन का। प्रतीत होता है कि विस्थापन हुआ है, ठीक है, अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर लिखोगे दोस्तों ए बी नहीं, देखो दूसरा नंबर तो हो गया आपका पैलियो क्लाइमेटिक, तो अब तीसरा लिखना है पैलियो फॉसिल्स एविडेंसेस, मतलब पूरा जीवाश्म प्रमाण, पूरा जीवाश्म, पूरा जीवाश्म प्रमाण, प्रमाण या साक्ष्य दो में से कोई शब्द, ठीक है। अब इसमें भी ए बी करके चलते हैं तो लिखो ए, बहुत सारे साक्ष्य, पर कोई बात नहीं, मैं कुछ ही समझाऊंगा, कुछ जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो ए में आप लिखो, ए में लिखो, ये चित्र ने तो बहुत सारा चीजें कह ही दिया है, पर मैं यहाँ पूरा जीवाश्म के बारे में बता देता हूं ध्यान से। ये गोंडवाना लैंड के सभी टुकड़े हैं जिसका आपने चित्र बनाया है अभी, ये गोंडवाना लैंड के टुकड़े हैं। अब ध्यान से सुनना, गोंडवाना लैंड के सभी टुकड़ों में आज की बात नहीं करनी है, आज की बात नहीं, पुरानी बात करनी है। ये एक वनस्पति है जिसका नाम, पुरानी वनस्पति है जिसका नाम था ग्लॉसोप्टेरिस। क्या नाम था? ग्लोसोप्टेरिस। तो पहला ए जो मैं लिखूंगा अभी आप नहीं लिखेंगे, जब ये आपस में जुड़े थे तो एक ही कालखंड की जो ग्लोसोप्टेरिस नामक फर्न है, इसको क्या कहते हैं? फर्न मतलब वनस्पति, छोटी घास है, गोंडवाना लैंड के सभी टुकड़ों में पाई जाती है। देखो ये वाली ग्लास, जितने टुकड़े हैं उन सभी टुकड़ों में पाई जाती है। एक ही कालखंड की ग्लॉसोप्टेरिस नामक फर्न गोंडवाना लैंड के सभी टुकड़ों में पाई जाती है, जबकि आज वो सारे खंड अलग अलग जगह पर हैं। कोई उष्ण कटिबंध में है तो कोई शीत कटिबंध में है तो कोई ध्रुव में बैठा है, जैसे अंटार्कटिका पोल में बैठा कि नहीं बैठा। तो एक ही वनस्पति अलग अलग जलवायु कटिबंध में तो हो नहीं सकती, जो कि छोटी घास है तो एक प्रकार के जलवायु कटिबंध में होगी। तो ये बात बताती है, क्योंकि समानांतर रूप से सब में ये पाई जाती है, तो बताती है कि जिस समय पर यह घास उगी होगी, विकसित हुई होगी, तब ये आपस में एक साथ एक स्थान पर रहे होंगे। तो दूसरी बात बी पॉइंट बता रहा हूं, बी पॉइंट, यहां पर ध्यान से। एक विशेष प्रकार का जीव होता है जिसे आप कहते हैं मर्शुपियल, धानी वर्ग का जीव होता है जिसे आप क्या कहते हैं? मर्शुपियल। उसका आज का विकसित एक अलग रूप कंगारू के रूप में प्राप्त होता है। तो पुरातन कालखंड का जो मर्शुपियल था, कौन था? मर्शुपियल नामक जीव था। और दूसरा, उस कालखंड के रेप्टाइल्स में, जिसे हम डायनासोरस कहते हैं, तो उसके प्रकार का ही एक जीव था जिसे हम मेसोसोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोसोरस कहते हैं। तो मर्सुपियल एवं मेसोसोरस प्रकार के जीवों का, मर्सुपियल एंड मेसोसोरस प्रकार के जीवों का इनके विभिन्न खंडों में पाया जाना, इनके विभिन्न खंडों में पाया जाना इस बात का प्रतीक है कि जिस समय पर इनका विकास हुआ था तो निश्चित रूप से यह सभी खंड एक साथ आपस में जुड़े अवश्य रहे होंगे, अन्यथा अलग अलग जलवायु कटिबंधों के यह प्राणी नहीं हैं। आज तो भूखंड अलग अलग जलवायु कटिबंधों में है, पर यह प्राणी तो उष्ण कटिबंध का था। इसका मतलब कि इनकी अवस्थिति कभी एक स्थान पर ऐसी अवश्य रही होगी। तो यही बात आपको लिखनी है, तो लिखो पूरा जीवाश्म प्रमाण में लिखो, ऐसा लिखना भाषा में लिखो। आज के गोंडवाना लैंड, आज के गोंडवाना लैंड के विभिन्न टुकड़ों में, विभिन्न टुकड़ों में पुरातन पुरातन ग्लासोप्टेरिस फर्न, फर्न मतलब वनस्पति, पर ग्लासोप्टेरिस तो नाम है, याद करना पड़ेगा। ग्लासोप्टेरिस फर्न, फर्न का सभी टुकड़ों में पाया जाना, ग्लासोप्टेरिस फर्न का सभी टुकड़ों में पाया जाना, कॉमा लगाइए, साथ ही मेसोसॉरस एवं मार्सूपियल, मेसोसॉरस एवं मार्सूपियल वर्ग के जीवों का भी विभिन्न खंडों पर पाया जाना। मार्सूपियल के बाद मेसोसॉरस, मेसोसॉरस एवं मार्सूपियल प्रकार के जीवों का विभिन्न खंडों पर पाया जाना प्रमाणित करता है कि यह कभी आपस में अवश्य ही जुड़े रहे होंगे पूर्ण विराम तो नेक्स्ट, ये पूरा जीवाश्म प्रमाण था, तो लास्ट जैविक प्रमाण, चौथा नंबर ये होगा जहां तक है, चौथा ही है ना, जैविक प्रमाण या जैविक साक्ष्य, बायोलॉजिकल एविडेंस, जैविक प्रमाण। अब जैविक प्रमाण में देखो ध्यान से, ये चित्र आपके सामने है, यहां पर ये स्कैंडिनेविया का क्षेत्र है, नॉर्वे स्वीडन का क्षेत्र है। यहाँ पर दोस्तों एक विशेष प्रकार का जीव पाया जाता है, छोटा जीव है, विशेष प्रकार का जीव है। आज ये खरगोश से थोड़ा छोटा या खरगोश जैसा ही जीव है, यहाँ पाया जाता है, जिसका नाम है लेमिंग। क्या नाम है दोस्तों इस जीव का? लेमिंग। ये जीव समूह में रहता है, बात नहीं करो दोस्तों, क्लास में फ्रीडम को लिबर्टी मत समझा करो, क्लास की आपकी, आपको पता है कि हमेशा क्लास की, अपना क्लास का एक मर्यादा और अनुशासन होता है, वो कभी भंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भंग तो पढ़ाई भंग। एसएससी के तो क्लास है नहीं, वनडे एग्जामिनेशन की, मैं सबकी बात करता हूँ, हालांकि मुझे उनका भी सम्मान है, वनडे एग्जामिनेशन वाली बात तो है नहीं कि टीचर कुछ पढ़ा रहा है, बच्चे अपने मस्ती में मस्त, यहाँ वो पॉसिबल नहीं है। होता होगा पॉसिबल तो पता नहीं, पर यहाँ पॉसिबल नहीं, ये नहीं किया करो। जब मैं बोलना शुरू करूं तो केवल मैं बोलूंगा, आपकी स्वतंत्रता वहां के बाद समाप्त हो जाती है। और मैं चुप हो गया तो आपकी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों आरंभ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो सुनो दोस्तों, ये जो लेमिंग जीव है इसकी दारुण दशा तो सुन लो। ये समूह में रहता है, शाकाहारी जीव है। ये करता क्या है, बीच बीच में एक मौसम विशेष में यहां से अपने समूह को लेता है, इधर की ओर तैरता है नॉर्थ सी में, और तैरता तैरता थोड़ी देर बाद पूरे समूह के साथ डूबकर मर जाता है। देखो बड़ी अद्भुत सी बात है, और ये चल रहा, आज भी चल रहा है। अरे भाई तू क्यों आत्महत्या करता है? तूने अपने बेटी की शादी में लोन लिया था क्या कुछ नर पिशाचों को दहेज देने के लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो तूने क्या खेती करने के लिए बैंक से लोन लिया था क्या कि किसानों की हत्या करने के अलावा कोई और उपाय बचता नहीं है? ऐसा भी कुछ नहीं था, तो फिर तू क्यों मरा? वेगनर कहते हैं मैं बताऊंगा। वेगनर क्या कहते हैं? मैं बताऊंगा। बोलते हैं कि ये क्षेत्र जो स्कैंडिनेविया का क्षेत्र है, यहाँ हरी हरी मुलायम मुलायम घासें उगती हैं, वो घास इसका भोजन है। समूह में पाया जाता है, जब घास को खाकर खत्म कर दिया तो भोजन तो चाहिए। तो इसके पूर्वजों ने बताया था कि ये जो समुद्र है उसे तू पार करके जब पश्चिम की ओर जाएगा, एक हरी हरी घास का ऐसा ही तुझे नया क्षेत्र मिलेगा। तो एक काम करना, वहां जाकर घास खाना और फिर यहाँ वापस आ जाना। तो वो क्षेत्र कौन सा था? तो बोलते हैं वो क्षेत्र था ग्रीनलैंड। कौन था? ग्रीनलैंड। तो बोलते हैं कि वो अपने पूर्वजों के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए ग्रीनलैंड के तटों पर उगने वाली हरी घास को खाने के लिए जाता है। बट आज ग्रीनलैंड पश्चिम की ओर विस्थापित हो गया है। कल ग्रीनलैंड यहाँ नहीं था। कल ग्रीनलैंड की अवस्थिति ऐसी थी दोस्तों, देखते जाना, कल ग्रीनलैंड की अवस्थिति ऐसी थी। कल ग्रीनलैंड यहाँ था, कल ग्रीनलैंड। तो जब ग्रीनलैंड यहाँ था तो ये आराम से पहुंच जाता था, घास खाता था, कुछ समय बाद या मौसम व्यतीत होने के बाद वापस आ जाता था। बट अब चूंकि ग्रीनलैंड दूर हो गया है तो ये सागर में तैरने के लिए जाता तो है, लेकिन तैरता 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 थक कर चूर हो जाता है, और थकान की वजह से पूरा समूह डूबकर आत्महत्या को प्राप्त करता है। आज इसे कोई ये समझाने वाला नहीं है कि ग्रीनलैंड महाद्वीपीय विस्थापन से बहुत दूर जा चुका है। तो ग्रीनलैंड का दूर जाना यह बताता है कि महाद्वीप स्थिर नहीं है, बल्कि उनका विस्थापन हो रहा है। समझ में आ गया? तो लिखो जैविक प्रमाण में, स्कैंडिनेविया में पाया जाने वाला लेमिंग नामक शाकाहारी जीव समूह के साथ उत्तर सागर, नॉर्थ सी, उत्तर सागर में तैरता हुआ आत्महत्या करता है, सुसाइडल अटेम्प्ट्स करता है। पूर्ण विराम लगाओ। वेगनर के अनुसार यह उसकी आत्महत्या नहीं, बल्कि ग्रीनलैंड पहुंचने का असफल प्रयास है। ग्रीनलैंड पहुंचने का असफल प्रयास है, पूर्ण विराम लगाकर पैरा चेंज करते हुए इसमें लिखेंगे आरंभ में ग्रीनलैंड नॉर्वे के समीप था, नॉर्वे या स्कैंडिनेविया के समीप था, नॉर्वे के समीप था। तो यह जीव तैरकर ग्रीनलैंड की घास खाता, तैरकर ग्रीनलैंड की घास खाता और वापस आ जाता। वापस आ, परंतु ग्रीनलैंड की बढ़ी हुई दूरी, ग्रीनलैंड की बढ़ी हुई दूरी इस बात का प्रमाण है कि, इस बात का प्रमाण है कि, प्रमाण है कि महाद्वीपों का विस्थापन, महाद्वीपों का विस्थापन अवश्य हो रहा है। पूर्ण विराम लिखो आलोचना, क्रिटिसिज्म, आलोचना। पहला लिखो PTT, P कैपिटल लेटर, T कैपिटल लेटर, T कैपिटल लेटर, ये क्या हो गया? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। PTT क्या हो गया? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार, के अनुसार सियाल सीमा पर नहीं, सियाल सीमा पर नहीं बल्कि स्थल मंडल दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है, तैर रहा। पूर्ण विराम। दूसरा बिंदु यदि सियाल सीमा पर बिना रुकावट तैरता था, क्योंकि उन्होंने पहली लाइन लिखाई थी सियाल सीमा पर बिना रुकावट तैरता है। यदि सियाल सीमा पर बिना रुकावट तैरता है तो फिर घर्षण की बात, जब रुकावट ही नहीं तो घर्षण कहां से, तो फिर घर्षण की बात तर्क संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। या कि बोलो कि सियाल सीमा पर रुकावट के साथ तैरता है तो घर्षण होगा, या कि दूसरे तरफ बोलो बिना रुकावट का तो फिर कोई घर्षण नहीं लगेगा। तो अब तीसरा बिंदु आलोचना लिखो जेफेरी के अनुसार यदि चंद्रमा एवं सूर्य का ज्वारीय बल, यदि चंद्रमा एवं सूर्य का ज्वारीय बल इतना प्रबल होता, इतना प्रबल होता कि महाद्वीपों का विस्थापन कर सकता, इतना प्रबल होता कि महाद्वीपों का विस्थापन कर सकता, तो इनके द्वारा लगाए गए बल से, इनके द्वारा लगाए गए बल से आज तक पृथ्वी का घूर्णन ही रुक गया होता। अरे सुमित मेरी शर्ट खींचेगा तो कब तक खींचेगा, समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? धीरे धीरे तो शर्ट खींचेगी इतनी ज्यादा तो हम रुक ही जाएंगे ना। घूर्णन ही रुक गया होता। पूर्ण विराम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। यदि पैंजिया कार्बोनीफेरस कालखंड में था, तो उससे पहले की घटनाओं का जिक्र कैसे? अरे कार्बोनीफेरस के बाद की बात तो बता दिया आपने, जो कि 35 करोड़ वर्ष पहले था। पृथ्वी 4.5 अरब वर्ष पहले से, तो उन घटनाओं को कौन बताएगा? ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट लिखो। वैज्ञानिकों ने आरोप लगाया कि वेगनर अपने सिद्धांत को वैज्ञानिकों की तरह नहीं बल्कि अधिवक्ताओं की तरह प्रमाणित करना चाहते हैं। पूर्ण विराम लिखो। महत्व। महत्व 1928 आ चुका है दोस्तों। क्या आ चुका है? 1928 में भूगर्भ शास्त्र में एक नया चेहरा सामने आया जिसका नाम था आर्थर होम्स। याद करो इसे, क्योंकि प्लूम थ्योरी आपके सिलेबस में अभी रिसेंट में पूछी गई है और आर्थर होम्स की दी गई है। आर्थर होम्स ने कहा कि जो ये महाद्वीपों का विस्थापन है, ये चंद्रमा एवं सूर्य के ज्वारीय बल नहीं, उत्प्लवन बल नहीं, बल्कि पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के प्रभाव से होता है। अदरवाइज उत्प्लवन बल अगर विषुवत रेखा की ओर लगा, पिंड ध्रुवीय आकर्षण से उत्तरी गोलार्ध में गए, तो अंटार्कटिका दक्षिण में कैसे चला गया? प्रश्न है कि नहीं? अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चला गया? दूसरा, अगर महाद्वीप पश्चिम की ओर विस्थापित हुए हैं तो ऑस्ट्रेलिया पूर्व में कैसे चला गया? मतलब जगह जगह पर इन पे लांछन लगाते हैं लोग, जगह जगह पर लांछन लगते हैं। तो उन्होंने अपने जीते जी इस बात को स्वीकार किया कि मैंने जो बात शक्तियों के रूप में प्रयोग किया है उनमें गलतियां हैं। माना कि मैंने गलती शक्ति के रूप में की है, पर जो मेरा मंतव्य था बताने का वो गलत नहीं है। ये तो अवश्य है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। बोले चलो ठीक है, इसे कुछ और प्रमाणित करते हैं। अपने एक दोस्त को लेते हैं दोस्तों, कुछ कर गुजरने की जिद होती है ना, तो लोग किसी भी स्थिति में कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। अपने दोस्त को लेते हैं और निकलते हैं ग्रीनलैंड के पास एक द्वीप में, और वहां पर तंबू लगाते हैं। एक दिन की बात है, आपको पता है कि जितना पोलर जोन में जाएंगे तो दिन के घंटों की संख्या बढ़ती जाती है, और या कि रात्रि के घंटों की संख्या बढ़ती जाती है। एक दिन की बात है, ये भोरवेला में अपने तंबू से निकलकर जाने लगे अपने इक्विपमेंट्स लेकर। इनका दोस्त बोला मौसम खराब है मत जा। बोले नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, काम है तो काम तो करने होंगे, मौसम कहाँ रोक पाएगा। दोस्तों जाते हैं, एविडेंस जुटाने के क्रम में यह अपने तंबू से आवाज से दूर चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। लौटने के क्रम में, ये लौटना चाहते भी थे या नहीं पता नहीं, बट जब तक ये घर लौट पाते उससे पहले ध्रुवीय समुद्री तूफान आया, और उस तूफान ने इस महामानव को हमेशा हमेशा के लिए अपनी चादर में लपेट लिया। वेगनर की लीला समाप्त। पर वेगनर मरा नहीं। किस रूप में मरा नहीं? सिद्धांत के रूप में वेगनर मरा, बट वेगनर मरा नहीं। किस रूप में नहीं मरा? सिद्धांत के रूप में, क्योंकि इसके द्वारा कही गई यह बात प्रमाणों के साथ कि महाद्वीप स्थिर तो नहीं है बल्कि इनका संचलन हो रहा है, आगे आने वाले समस्त भूगर्भ शास्त्रियों के लिए एक आधार बना। और भूगर्भ शास्त्र में महाद्वीप एवं सागरीय द्रोणियों के उत्पत्ति की जितनी अनुसंधान और जितने कार्य किए गए इसी दिशा में किए गए कि महाद्वीप और सागरीय द्रोणियां स्थिर नहीं बल्कि इनका निरंतर संचरण हो रहा है। इसीलिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब अस्तित्व में आती है 1960 के दशक में, तो उसने सबसे पहले वेगनर के सिद्धांत की भरपूर समीक्षा की और वेगनर के सिद्धांत को आधार बनाते हुए अपनी नई बात कहती है। इसीलिए वेगनर तब से लेकर अब पृथ्वी जब तक जीवित रहेगी तब तक के लिए अमर हो गया। उसी अमर व्यक्ति को आप श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए 3 लाइनें लिखिए या 2 लाइनें लिखिए। लिखिए, आलोचनाओं के आलोक में, आलोचनाओं के आलोक में वेगनर वेगनर की यह युग परिवर्तनकारी, युग परिवर्तनकारी खोज खोज प्रश्नगत अवश्य रही, प्रश्नगत अवश्य रही, प्रश्नगत अवश्य रही, जैसे संवहन धारा सिद्धांत, जैसे संवहन धारा सिद्धांत के उपरांत, के उपरांत वेगनर ने ही, वेगनर ने ही स्वीकार किया कि प्रवाह की शक्तियों, प्रवाह की शक्तियों में मुझसे त्रुटि हुई है, मुझसे त्रुटि हुई है, परंतु सिद्धांत की मूल धारणा, सिद्धांत की मूल धारणा अवश्य ही तार्किक थी, अवश्य ही तार्किक थी, जिसके आधार पर, जिसके आधार पर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने, जिसके आधार पर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने अपनी इबारत लिखी, अपनी इबारत लिखी। पूर्ण विराम, टॉपिक समाप्त। यह था दोस्तों आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आशा करता हूं दोस्तों कि प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक पक्ष ठीक से समझ में आए होंगे। आज ही रिवीजन करिएगा, जो भी बातें समझ में ना आई हो ध्यान से, कल सभी बच्चे सारे प्रश्न पूछेंगे, जितने भी प्रश्न होंगे हर प्रश्नों का जवाब दूंगा, आगे बढ़ूंगा उसके बाद, बट रिवीजन आज कर डालिएगा। कल हम लोग संवहन धारा सिद्धांत, भूचुंबकत्व सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत जैसे 2, 3, 4 छोटे सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों विदा लेता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।